हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लोर करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम है सभी लोगों का, ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए प्रोग्राम आज का। यह है कि सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम कुछ बेसिक टर्म पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ बेसिक टर्म हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद आपको फिनोमिना समझ में आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बेसिक डिस्कस कर रहे हैं इसका, ठीक? तो कुछ चीजें आपको पहले से क्लियर होंगी तो आगे की चीजें आसान पड़ेंगी, ठीक है? तो चलो ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है काइरल सेंटर, ठीक? काइरल सेंटर क्या होता है? काइरल सेंटर ऐसा सेंटर, मतलब ऐसा एटम मान लो आप, क्या है काइरल सेंटर? ऐसा एटम है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, पहली बात, और दूसरा चारों ग्रुप उसमें डिफरेंट लगे हों। क्या बोला मैंने, वो मैं लिख भी देता हूं, तो मेरे साथ आप लिखते भी जाना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या काइरल सेंटर क्या है? sp3 एटम अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स भी लिख सकते हो, है ना? तो समझना बात को, क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना। काइरल सेंटर ऐसा एटम है जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों। क्या लगे हो बड़ा? चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों, और वो कार्बन sp3 भी होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है? तो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, चारों ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। जैसे अगर मैं काइरल सेंटर को कैटेगराइज करूं तो अलग अलग टाइप से मैं कैटेगराइज कर सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना आप। जैसे अगर मैं सबसे पहले लेता हूं, ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं ले रहा हूं काइरल कार्बन। क्या बोल रहा मैंने? काइरल कार्बन। तो काइरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और चारों ग्रुप बेटा क्या लगे हो? डिफरेंट लगे हो। क्या बोला मैंने? डिफरेंट बोला। तो बहुत ध्यान से देखना, मैंने एक कार्बन ले लिया, ध्यान से देखते जाना, मैंने एक कार्बन ले लिया और इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हो और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे होगा इसका? 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। कितने? 4 सिग्मा बॉन्ड इसमें होंगे। तो इस कार्बन को मैं क्या बोलूंगा? काइरल कार्बन। कैसे? अगर मैं यहां पर ग्रुप डिफरेंट लगा दूं, सपोज मैंने यहां लगा दिया बेटा एच, यहां लगा दिया मैंने मिथाइल, यहां लगा दिया मैंने NH2, और यहां लगा दिया मैंने सपोज डी लगा दिया। एच और डी अलग अलग ग्रुप कंसिडर किए जाते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस कार्बन के बारे में बात करूं तो बेटा ये काइरल कार्बन है, जहां काइरल आएगा वहां मैं स्टार लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? स्टार, ठीक है? ध्यान से देखना, तो काइरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसके चारों ग्रुप क्या लगे हों? डिफरेंट लगे हों, ठीक? और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3। जैसे अगर आप चेक करो बेटा इसका, बताना मुझे, है ना? चलो बोलो इसके कितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं? कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं इसके? देखना, 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है? sp3 है। यही तो सिखाया था मैंने पहले आपको, है ना? याद आ रहा है वो दिन? तो sp3 4 सिग्मा, और ये चारों ग्रुप H, D, NH2 और मिथाइल, ये चारों ग्रुप क्या लगे हुए हैं? डिफरेंट लगे हुए हैं। आप पूछोगे सर ये वाला कार्बन क्या है? बेटा इस कार्बन पर 3 H लगे हैं। ये कार्बन sp3 तो है, क्यों? 4 सिग्मा तो है, लेकिन ये कार्बन काइरल नहीं कहलाएगा। जो काइरल नहीं कहलाता उसको ए काइरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए काइरल। अगर तुम्हें इस कार्बन के बारे में लिखना है तो लिख लो क्या? ए काइरल। लेकिन तुम्हें इस कार्बन को काइरल बोलना पड़ेगा। और ये जो मैंने लिखा ना काइरल, मतलब स्टार लगाने का मतलब ही है कि मैंने क्या बोल दिया बेटा? काइरल बोल दिया। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? तसल्ली से बहुत ध्यान से सुनेंगे। ऐसा एटम जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हो और वो sp3 हो, सीधी सी बात है। अब वो काइरल कार्बन भी हो सकता है, काइरल नाइट्रोजन भी हो सकता है। अभी हम इस पे आ रहे हैं, इस पे आ गए थे, अब इस पर आ रहे हैं ना। तो काइरल कार्बन क्या है, देख लिया आपने? इस कार्बन को मैं काइरल क्यों बोल रहा हूं? इस वाले को चारों ग्रुप इसके डिफरेंट लगे हैं और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं चल रहा हूं काइरल नाइट्रोजन पर। हाँ, काइरल नाइट्रोजन भी होता है, कई लोगों ने पहली बार सुना हो अपनी जिंदगी में, तो आप ध्यान से सुन लो। क्या? काइरल नाइट्रोजन।
तो कायरल नाइट्रोजन क्या होता है, ध्यान से देखना, एक ऐसा एटम, ध्यान से देखना, एक ऐसा एटम जिसके चारों ग्रुप क्या लगे हों, डिफरेंट लगे हों। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन पर चार ग्रुप लगाना चाहूं तो मान लो मैंने एक H लगा दिया, एक CH3 लगा दिया, ठीक, एक मैंने यहां सपोज BR लगा दिया, ठीक, और एक इसके पास लोन पेयर है। तो बेटा इस नाइट्रोजन को तुम कायरल नाइट्रोजन बोलोगे, ध्यान से सुनना, क्या बोलोगे, कायरल नाइट्रोजन। ये क्या है, क्या है ये बताओ जरा, मैं इसको कायरल नाइट्रोजन बोल सकता हूं। तो एक काम करते हैं, स्टार लगा लेते हैं, क्यों, ध्यान से देखना जरा, अच्छा स्टार लगाएंगे, ध्यान से देखना जरा, एक दो तीन चार, मतलब ये लोन पेयर को भी एक अलग ग्रुप कंसीडर कर सकते हो आप, है ना। तो लोन पेयर एच बी आर और मिथाइल, तो ये क्या हो गया, कायरल नाइट्रोजन हो गया। समझ गए बात को, तो ध्यान रखना, ऐसा एटम जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट। अच्छा सर ये sp3 कैसे हुआ, आप यही पूछोगे ना, सर sp3 कैसे हुआ, देखना, इस नाइट्रोजन के अलोंग इससे एसोसिएटेड एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, कितने, तीन सिग्मा, प्लस एक है लोन पेयर, तो सम क्या हो गया बेटा, चार, क्या हो गया, चार। और सम अगर चार हो गया तो बेटा आंसर sp3। समझ रहे हो बात को, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। तो ऐसा एटम जिसके चारों ग्रुप क्या लगे हो, डिफरेंट लगे हो, ऐसा एटम जिसके चारों ग्रुप क्या लगे हो, डिफरेंट लगे हो, तो लगे तो हैं डिफरेंट। आप बोलोगे सर लोन पेयर, अरे बेटा लोन पेयर को भी ग्रुप मान लो एक अलग सा, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। समझ गए बात, इस तरीके से आप चेक करते हो, बिल्कुल बेसिक है। ऐसा एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसके पास कितने बॉन्ड हो, चार बॉन्ड होंगे तभी तो sp3 होगा, और चारों ग्रुप क्या लगे हो, डिफरेंट लगे हो, क्या, डिफरेंट। बहुत बढ़िया, समझ गए कहानी, अब हम बढ़ेंगे आगे, समझ गए, अच्छे से इसको पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है। चलो, जिस तरीके से कायरल नाइट्रोजन होता है बेटा, उसी तरीके से कायरल फॉस्फोरस भी होता है। हाँ भाई, आज पहली बार सुना है सर ये कायरल फॉस्फोरस और कायरल सल्फर। देखो जरा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी आपको, जुड़े रहो बस, बिल्कुल जैसे जुड़े हो ना अभी वैसे जुड़े रहो, कहीं जाना नहीं है ना। कायरल फॉस्फोरस की बात अगर मैं करूं तो ऐसा ऐसा एटम जिसके चारों ग्रुप क्या लगे हो, डिफरेंट लगे हो, ठीक है, और वो क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। आप कुछ भी यहां पर ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट, ठीक है। तो एक दो तीन चार, इसको भी ग्रुप मान लो, तो ये क्या हो गया, कायरल फॉस्फोरस हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखो एक दो तीन चार मतलब बेटा तीन सिग्मा और एक क्या है, लोन पेयर है, तीन सिग्मा है और एक क्या है, लोन पेयर है। एक काम करो, यहां सीएल की बजाय आप क्या करो, कुछ अल्काइल ग्रुप लगा लो। अच्छा ये ऐसा हो गया, चलो एक काम करते हैं, इसको पहले हटा देते हैं अपन, मैं एक बार फिर से बना के बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना जरा, मैंने जो लगाया था ना, बहुत ध्यान से देखना, कहीं जाना नहीं। फास्फोरस मैंने लोन पे लगाया था, यहां एच लगाया था, यहां मिथाइल लगाया था, यहां आप इथाइल लगा लो, ईटी, ठीक है। मैंने सीएल वाला क्यों हटा दिया, क्योंकि फिर बैक बॉन्डिंग वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, तो आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल अल्काइल ग्रुप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एच सी एस थ्री ई टी, यहां सीएल होता है तो सीएल में कुछ बैक बॉन्डिंग जैसी एक चीज होती है, केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया जाएगा, अभी आप उसको छोड़ो, अभी आप ये देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके पास तीन सिग्मा, एक दो तीन और एक लोन पेयर, तो सम क्या हो गया, चार, और सम चार हो गया बेटा, क्या हो गया, sp3, क्या हो गया, ये sp3, और चारों ग्रुप डिफरेंट लगे, H, CH3, ET और लोन पेयर, क्या बात है सर, मजा आ गया। अगला देखो बेटा, कायरल ऑक्सीजन भी होता है। देखो कायरल कार्बन पढ़ लिया, कायरल नाइट्रोजन पढ़ लिया, कायरल फॉस्फोरस भी हो सकता है और कायरल ऑक्सीजन भी हो सकता है, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। कायरल ऑक्सीजन ध्यान से देखेंगे, मान लो मेरे पास O लगा है, यहां मैंने H लगा दिया, यहां मैंने अल्काइल ग्रुप लगा दिया, यहां मैंने अल्काइल ग्रुप लगा दिया, क्या, CH3, ध्यान से देखते जाना, और यहां लगा दिया मैंने C2H5, और यहां क्या लगा दिया मैंने, लोन पेयर, और ऑक्सीजन बेटा तीन बॉन्ड बना रहा है, तो यहां प्लस लगा दूं, सही है, हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, एक दो तीन चार, चारों ग्रुप डिफरेंट है, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, और ये क्या है बेटा, ये है sp3, क्यों, एक सिग्मा, दो सिग्मा,
तीन सिग्मा, लोन पेयर, सम चार, sp3 और चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। इसका मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन कायरल है। समझना बात को, आपको चारों ग्रुप डिफरेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगला देखो, कायरल सल्फर। बिल्कुल, अब तो यार बहुत आसान हो गया आपके लिए जीवन। आपके जीवन में जितना सिंपल अब हो गया है कभी नहीं था, है ना। तो कायरल सल्फर S, देखना जरा, R1, यहां मैंने R2, या एक काम करो, R1 R2 मतलब हम मिथाइल इथाइल लगा खेल लेते हैं। यहां क्या आएगा? मिथाइल। यहां क्या लगा दिया मैंने? इथाइल C2H5 लगा दिया, ठीक है। और यहां मैंने लगा दिया एक डबल बॉन्ड O, और यहां लगा दिया लोन पेयर। ध्यान से देखना जरा, क्या ये सल्फर sp3 है? यस, डेफिनेटली sp3 है। क्यों? ध्यान से देखना, इस सल्फर के लिए, ध्यान से, इधर इधर कहीं जाना नहीं, कहां जा रहे हो? इधर इधर इधर। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और लोन पेयर, तो सम क्या हो गया बेटा? चार। और सम क्या हो गया? चार मतलब sp3। क्या बोला मैंने? एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और एक लोन पेयर। क्या बात है सर, मजा आ गया। 4sp3। अब देखना जरा, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, चारों अलग हो गए। मतलब इस सल्फर को मैं क्या बोल सकता हूं? कायरल सल्फर, ठीक है। अभी आपको ये लग रहा होगा, सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ गया, ये सब हम बेसिक टर्म पढ़ रहे हैं बेटा। क्या बेसिक टर्म पढ़ रहे हैं? इन टर्म का पहले क्लियर होना जरूरी है, तब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में गोता लगा सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या मैं ऐसा लिख दूं? ध्यान से देखना, इसमें क्या मैं ऐसा लिख दूं? एस डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, यहां मैंने लगाया C2H5, यहां CH3। क्या ये सल्फर कायरल है? क्या ये सल्फर कायरल है? नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, देखना, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन तो बेटा इसका sp3 है। लेकिन ये देखना जरा, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन सेम सेम हो गए, तो चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ये तो सेम हो गए ना आपके, तो ये कायरल नहीं है। लेकिन अगर मैंने आइसोटोप यूज कर लिए, यहां मैंने 16 लगा दिया और यहां ऑक्सीजन का 18 लगा दिया, तो यस, अब ये कायरल हो गया। ध्यान से समझना बात को, इसलिए आराम से लिख लिख के समझा रहा हूं, बहुत एक एक चीज सीख के जाओ। सीखने आए हो तो सीख के जाना भी है, आए हो तो जाना भी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हैं, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, मतलब sp3 है, ठीक है। तो ये सल्फर तुम्हारा sp3 तो था, और अगर तुमने आइसोटोप यूज कर लिए, ये 16 वाला ऑक्सीजन, ये 18 वाला, तो अब ये कायरल हो गया, पहले नहीं था। क्या बोला मैंने? ध्यान सुनना, पहले नहीं था। कब नहीं था? जब यहां पर तुमने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लगाया था, आपने आइसोटोप वाला नहीं दिखाया था। अगर नहीं दिखाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 16 वाला होता है ऑक्सीजन, है ना, जैसे कार्बन का बाय डिफॉल्ट कार्बन 12 होता है, वैसे ऑक्सीजन बाय डिफॉल्ट कार्बन 16 होता है, मतलब आपका एटॉमिक मास उसका। समझ गए बात को? तो ये अलग अलग ग्रुप होते हैं, आइसोटोप्स अलग ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं। क्लियर है? चलो भाई, आराम से पॉज करके तसल्ली से नोट करना, और वो भी चीज आप क्लियर समझ लो कि यहां पर मैंने सारे ग्रुप क्या लगा रखे हैं? डिफरेंट, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपने यहां पर कुछ ऐसा लगा दिया कि जिसमें बैक बॉन्डिंग आती है, तो उसमें कहानी थोड़ी अलग हो जाती है, जो कि अभी आपके लिए नहीं है, वो आप 12th क्लास में, हायर क्लासेस में पढ़ते हो, ठीक। अभी आप अल्काइल ग्रुप लगा के सीख लो किस तरीके से करते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखना, चलो इसको नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको इसका एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आप ही बताओ, ठीक है। चलो मैंने इसमें एक ऐड कर दिया, अब आप बताना, मैं पूछते जाऊंगा आप करते जाना मेरे साथ साथ। ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, कैसा? ऐसा, CH3O C2H5, बताओ जरा क्या ये ऑक्सीजन कायरल है? आराम से तसल्ली से सीख के जाना, बिना सीख के नहीं जाना, ठीक है। बताओ जरा, क्या ये ऑक्सीजन कायरल है? बोलो बोलो, क्या ये ऑक्सीजन कायरल है? जैसे तुम्हारे दिमाग में आया कायरल ऑक्सीजन, अच्छा चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए और sp3 होना चाहिए, यही सोचोगे ना। चलो भाई आ जाओ, अगर मैं तुमसे बोलूं क्या कि बेटा एक बार ध्यान से देखना जरा, देखो इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर ऐसा, दो लोन पेयर होंगे इसके, तो ये कायरल थोड़ी होगा। अरे बेटा, कायरल कहां से हो गया? नहीं होगा ना कायरल। क्यों बेटा? दो ग्रुप तो सेम आ गए ना। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो आप बिल्कुल बोलोगे सर हाइब्रिडाइजेशन तो चमकता हुआ sp3 आएगा। क्यों? क्योंकि
एक सिग्मा दो सिग्मा लोन पेयर लोन पेयर, सम क्या हो गया चार, कैसे दो सिग्मा प्लस दो लोन पेयर, तो सम तो बेटा चार हो गया, sp3 हो गया, लेकिन ये दोनों सेम थे तो ये वाला कायरल ऑक्सीजन नहीं है, तो मैं स्टार भी नहीं लगा रहा, जहां कायरल होगा वहां स्टार लगा दूंगा, समझना बात को, बात को समझना, ये कायरल ऑक्सीजन नहीं है। एक और हो जाए, मजा आ रहा है। अरे सर लो, अरे सर के पास तो बहुत सवाल है। देखो अगला बताना, एन एच सी एच थ्री सी टू एच फाइव, और यहां लगा दिया टी, और यहां प्लस लगा दिया क्योंकि नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। क्या ये नाइट्रोजन कायरल है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या ये नाइट्रोजन कायरल है? चेक कर लेते हैं सर, अगर सर ने पूछा है कायरल के बारे में तो चेक करेंगे, ऐसे हवा में थोड़ी बोलेंगे, चेक करेंगे। देखो इस नाइट्रोजन के एसोसिएटेड कितने बॉन्ड हैं? एक दो तीन चार, मतलब इसके किसके, इसके चार सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या चारों ग्रुप डिफरेंट हैं? देख लेते हैं, ऐसी क्या बात है। देखो एक दो तीन चार, देखो चारों ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं, यस, मतलब ये नाइट्रोजन बेटा क्या है, क्या है, कायरल है। समझ गए बात को? तो आपके सामने आपकी जिंदगी में कोई भी सवाल आ जाए आप चेक कर लेना, कायरल कार्बन, कायरल नाइट्रोजन, कायरल सल्फर, कुछ भी चेक कर सकते हो आप। और पूछूं? चलो एक और हो जाए। अरे कहां जा रहे हो? अरे बहुत सवाल हैं, आ जाओ एक और कर लेते हैं। अब अपन ऐसे लिखेंगे, क्या टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है, और कायरल कार्बन्स, ठीक है, कायरल सेंटर्स बताने हैं और कायरल कार्बन्स बताने हैं। मैं एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं आपको, आप मुझे चेक करके बताएंगे। बहुत आराम से सीखेंगे, सीखने आए हो तो सीख के ही जाना, बिना सीखे आपको जाने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलो बताओ जरा, आराम से पॉज करो और बताओ, आराम से पॉज करो, साथ में पढ़ोगे अच्छा लगेगा, नोट्स बनाओगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सीख रहे हो तो अच्छे से सीखो, नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताने, कायरल कार्बन बताने, ठीक है। इसमें एक काम करते हैं, इसको यहां मैं डबल बॉन्ड हटा देता हूं, या एनएच को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और कंप्लीट करते हैं। सी एस थ्री ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब शुरू हो जाओ, फटाफट पॉज करो शुरू हो जाओ, देखो मतलब है ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, पंकज सर जब आया करेंगे, समझते नहीं हो कुछ, ठीक है। चलो आओ जल्दी आओ, कर लिया होगा अब तक, चलो शुरू करते हैं, ध्यान से देखना जरा, यहां सारे सारे चेक करेंगे, सारे पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन ही करके बता रहा हूं आपको, मतलब सारी जीवन की समस्याएं दूर हो जाए एक बार में। देखो इस कार्बन पर तीन एच है, कितने एच है बेटा, तीन एच है, और अगर तीन एच हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों चेक कर रहे हो, सीधी सी बात है ना, तीन एच हो गए ना तो कायरल थोड़ी हो सकता है, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए ना, तो ये कायरल नहीं है, ये नहीं है कायरल, ठीक है। इधर आ जाओ, इस कार्बन पे तीन एच हो गया, मतलब मिथाइल हो गया ये, तो ये भी कायरल नहीं होगा, सही बात है। ये वाला चेक करो, ये इस वाले पर ये मिथाइल और ये मिथाइल, अब इस वाले पर एच तो है, अच्छी बात है एच है, ये पूरा ग्रुप इसके लिए मानोगे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन दो मिथाइल लगे हैं इसका मतलब ये कायरल नहीं होगा, ठीक। आगे देखो, क्या ये कायरल होगा, ध्यान से देखना, क्या ये कायरल होगा, चेक कर लेते हैं। नीचे क्या लगा, इसको क्या बोलूंगा, मिथाइल, तो ये वाला कार्बन तो कायरल नहीं होगा, मिथाइल वाला, ये कार्बन, ये कायरल नहीं होगा, ठीक है। इस वाले पर एक एच लगा है, एक मिथाइल लगा है, ये वाला ग्रुप अलग लगा है, ध्यान से देखो कौन सा वाला, ये वाला, इधर वाला ग्रुप अलग लगा है और उधर वाला ग्रुप अलग लगा है, कौन सा वाला, ध्यान से देखना, इस कार्बन से मिथाइल एच ये तो डिफरेंट है, और इधर वाला भी डिफरेंट है, इसका मतलब यस, ये कार्बन जो है कायरल है, समझ गए। अब इधर तो बेटा डबल बॉन्ड लगा है, ओ डबल बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन बेटा, इसका क्या है sp2, इसका क्या है sp2, डबल बॉन्ड लगा ना हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp2, इसका भी sp2, दोनों का क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है,
समझ रहे बात को? ठीक है, तो ये तो वैसे ही कायरल मत बोलो, एसपी2 क्यों बोल रहे हो कायरल? इधर देखना जरा इस वाले का, इस वाले पर 2H लगे हैं, क्या लगे हैं? 2H लगे हैं, 2H लगे मतलब ये कायरल नहीं है, क्यों? 2H लग गए ना, चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। ये वाला 2H लगे ये भी कायरल नहीं है, ये मिथाइल वाला ये भी कायरल नहीं है, क्यों? 3H लगे हैं। नाइट्रोजन पे आओ, नाइट्रोजन के पास H, एक मिथाइल और ये पूरा ग्रुप इसके लिए नाइट्रोजन के लिए मानो, और एक लोन पेयर। कौन सा पेयर सर? लोन पेयर। कौन सा? लोन पेयर, क्या बात है सर। चलो शुरू करें, देखो 1 2 3 4 मतलब ये कायरल है, स्टार लगा देता हूं, ये कायरल है क्या? नहीं, क्यों? 3H लगे हैं। अब समझे आप बात, कहानी क्या थी? चारों ग्रुप डिफरेंट लगे होने चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, मतलब कायरल सेंटर कितने? 1 और 1 2, उनमें से कार्बन कितने हैं? 1, मतलब कायरल सेंटर, मैं लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में सी सेंट, मतलब सी सेंट का मतलब क्या बेटा? कायरल सेंटर। कितने? 2। उनमें से कार्बन कितने हैं? सी कार, मतलब कायरल कार्बन कितने हैं? सी कार कितने हैं? 1 ही कायरल कार्बन है, ये तो नाइट्रोजन है बेटा। समझ गया कहानी कैसे चेक करना है? और कर लें, चलो एक और हो जाए। अरे आप लोग आए हो तो सिखा के ही भेजेंगे, बिना सीखे नहीं जाना, आओ। चलो शुरू करते हैं कहानी, देखना ध्यान से। अब आपको बताना है टोटल कायरल सेंटर बता दो। चलो अगला सवाल, टोटल कायरल। अच्छा कई लोग इसको चिराल भी पढ़ते हैं, चिराल, किरेल, कायरल, ठीक है, ऐसे नाम होते हैं इसके। तो टोटल चिराल कार्बन, कौन से कार्बन बेटा? चिराल, चिराल कार्बन बताने हैं, तो टोटल कायरल कार्बन बताने हैं। ठीक, ध्यान से देखेंगे, कुछ ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। यहां लगा दिया मैंने Br, यहां लगा दिया Cl, यहां लगा दिया OH। चलो चलो, ठीक है, फटाफट से पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, वापस आएंगे। अगर जवाब सही हुआ बहुत मजा आ जाएगा भाई, तुम्हारे बच्चे तुमसे बहुत खुश रहेंगे जिंदगी में, ठीक है। चलो शुरू करो, बताना, पॉज करके आराम से ट्राई करो, ठीक है। चलो हम शुरू कर देते हैं, आप लोग आओ। देखना क्या ये कार्बन कायरल है, इस पे तो बेटा 3H लगे हैं। अरे यार सर दिख नहीं रहे हैं, अरे दिख नहीं रहे तो देखो ना, देखो ऐसे दिखेंगे, समझ रहे हो? इस वाले कार्बन की बात करूंगा, 1H, 1 Br, और बेटा ये मिथाइल इधर अलग, और बेटा ये पूरा का पूरा ग्रुप तुम्हारा इस कार्बन के लिए, ये पूरा ग्रुप इस कार्बन के लिए, ये वाला ये पूरा ग्रुप इस कार्बन के लिए ले लो, ठीक है। चलो भाई समझ गए, मतलब ये कार्बन तो कायरल है, ठीक। अगला देखना, क्या ये कायरल है, चेक कर लेते हैं। H अलग, OH अलग, इधर वाला ग्रुप कौन सा? ये वाला ग्रुप अलग और ये वाला ग्रुप पूरा अलग है, देखो इस वाले के लिए चेक करोगे तो, है ना, इसका मतलब क्या है, ये भी कायरल है। 4 सिग्मा तो दिख ही रहे हैं चमकते हुए, है ना। इस वाले पर आओगे तो 1H 1 Cl डिफरेंट, और ये ग्रुप और ये पूरा ग्रुप इस कार्बन के लिए डिफरेंट, मतबल क्या है इसका, ये भी कायरल है। अब ये वाला तो बेटा sp2 है, ये वाला भी sp2 है, खत्म, डबल बॉन्ड वाला तो sp2 हो गई ना, खत्म, मतलब sp3 तो होना ही चाहिए था ना। तो बताओ जरा टोटल कायरल कार्बन कितने? तो टोटल c कार्बन इज इक्वल टू 1 2 3, कितने? 3 कायरल कार्बन है। कहानी समझ पा रहे हो क्या चल रही है? बहुत सिंपल सी चीज है, क्या चेक कर रहे हैं? sp3 कार्बन चेक कर रहे हैं और चारों ग्रुप डिफरेंट चेक कर रहे हैं। अगर कोई एटम पूछ लेते तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देते। चलो एक और करेंगे, ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? अगले सवाल में ऐसा कह रहे हैं, नया पेज ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक। नए पेज में बहुत है भाई, पेज तो इतना है, इसमें क्या बताएं, मैंने काउंट नहीं किया, आप लोग करके बताना। क्वेश्चन, टोटल कायरल सेंटर, सी सेंट, कायरल सेंटर को लिख रहा हूं सी सेंट, टोटल कायरल सेंटर बताने, ठीक है, ध्यान से देखना। बहुत ध्यान से बताइएगा, एकदम बहुत ध्यान से। चलो टोटल कायरल सेंटर बताएंगे आराम से,
जल्दीबाजी किसको है? बहुत जल्दी में हो गया नहीं ना, तो आराम से सीखो ना, सीखना तो इंपॉर्टेंट होता है ना, सीखो। चलो शुरू करो, जरा पॉज करो और बताओ आराम से तसल्ली से, करें शुरू हम। चलो हम तो यहीं मिलेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं, इधर आओ। अरे बेटा क्या, इधर इधर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला कार्बन यहां क्या लगा है, एच, ध्यान से देखना एच, ये पूरा ग्रुप इधर से चलोगे तो तुम्हें CH2 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 ऐसे मिलता जाएगा। जब तुम इसका इधर से चलोगे तो यहां क्या मिलेगा, CH। तो आप देखना जरा, बहुत ध्यान सुनना, इससे तुम इधर गए यहां तुम्हें 2H मिले, इससे तुम नीचे आए यहां तुम्हें एक H मिला और एक NHCH3 मिला। क्या मिला? NHCH3। तो बेटा इस कार्बन के लिए, किसके लिए? इस कार्बन के लिए ये और ये तो अलग ग्रुप हो गए ना, इसका मतलब ये कार्बन भी क्या है, कायरल है। ठीक है, ध्यान से देखना मैं लिख रहा हूं, ये कार्बन क्या है, ये कायरल है, ये वाला। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं इस कार्बन पर H, देखना इस कार्बन पर H, NHCH3 अलग है, इधर से जाओगे इधर से तो इस कार्बन पर क्या मिलेगा, 2H मिलेंगे, ऊपर जाओगे तो इस कार्बन पर H और ये ग्रुप मिलेगा, किसके लिए, इसके लिए। मतलब इसका साफ ये है कि ये वाला कार्बन भी क्या है बेटा, ये वाला कार्बन भी क्या है तुम्हारा, कायरल है ना। चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, इधर से चलोगे अलग पाथ मिलेगा, इधर से अलग मिलेगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो, ये हो गया कायरल। अच्छा यहां तो कोई कायरल नहीं होगा ना, क्यों? अरे यार इस पर सभी जगह दो दो H हैं, और अगर एक ही कार्बन पर दो H लगे होंगे ना तो किस बात का कायरल भाई, कायरल थोड़ी होगा फिर वो। देखो सभी जगह दो H लगे हैं तो ये कोई भी कायरल नहीं है, है ना। इधर देखो ये वाला भी कायरल नहीं है, क्यों? इस कार्बन पे दो H लगे, ये सल्फर कायरल हो जाएगा, क्यों? एक लोन पेयर है तो ये कायरल हो गया ना, क्यों? देखो ओ अलग हो गया, लोन पेयर अलग हो गया, मिथाइल अलग हो गया और ये पूरा ग्रुप अलग हो गया है सल्फर के लिए, मतलब ये कायरल है। ये नाइट्रोजन भी कायरल है, क्यों? नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होगा, एक एच होगा, एक CH3 होगा और इधर ग्रुप अलग लगा है, इसका मतलब ये कायरल नाइट्रोजन होने वाला है। तो टोटल कायरल सेंटर पूछे थे, बताना बेटा क्या पूछे थे, कायरल सेंटर। तो टोटल कायरल सेंटर ये कितने हो जाएंगे बताओ, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। तो टोटल कायरल सेंटर बेटा 4 होंगे, जिसमें से कायरल कार्बन तुम्हारे 2 हैं, क्यों? इन चारों में से कार्बन कितने हैं? अरे यार ये तो खुद ही बता दोगे, कोई बता देगा, ये तो 2 हैं, खत्म, सिंपल। ठीक है, चलो अब तो समझ गए पूरा कायरल सेंटर के बारे में, अब हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा इसको आराम से देख लो, नोट कर लो, आराम से लिख लो। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे, स्टीरियो सेंटर। अरे सॉरी क्या क्या आ गया, अब ध्यान से सुनना, इसको रख दूं जरा इधर, कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, स्टीरियो सेंटर, ये तीन चीजें आपकी जिंदगी में आ गई यहां से। कायरल सेंटर क्या, कायरल कार्बन, कायरल नाइट्रोजन, कायरल फास्फोरस, कायरल सल्फर, कायरल ऑक्सीजन, ये सब कायरल सेंटर के अंडर आते हैं। ठीक, अब आगे स्टीरियो सेंटर। अब स्टीरियो सेंटर क्या होता है, स्टीरियो सेंटर ध्यान से सुनना, स्टीरियो सेंटर में क्या क्या आता है, इसमें आता है GI, अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या आता है, GI प्लस कायरल सेंटर। अब GI कौन से वाले, ऐसे डबल बॉन्ड जो GI एग्जिबिट करते हैं, ध्यान सुनना, ऐसे डबल बॉन्ड जो GI एग्जिबिट करते हैं। तो डबल बॉन्ड के लिए कितने सेंटर, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ स्टीरियो सेंटर इसके कितने हैं, अब ध्यान से थोड़ा, इसके स्टीरियो सेंटर कितने हैं इस कंपाउंड के। तो सबसे पहले स्टीरियो सेंटर के लिए जरूरी बात पता है क्या है भाई, GI एग्जिबिट तो करना चाहिए ना, बताओ ये GI एग्जिबिट करेगा क्या, सीखा था हमने लास्ट टर्म पे, देखना इस कार्बन से H और मिथाइल अलग अलग और इस कार्बन से BR और CL अलग अलग, मतलब ये GI एग्जिबिट करेगा। तो बेटा कौन सा कार्बन GI एग्जिबिट करेगा, कोई कार्बन GI एग्जिबिट नहीं करेगा, CCC सिस्टम GI एग्जिबिट करेगा, और इस सिस्टम में कितने कार्बन है, 2, मतलब इसके लिए हम 2 स्टीरियो सेंटर काउंट करेंगे।
बात समझ में आई? जब कभी भी जीआई एग्जीबिशन होगा डबल बॉन्ड का ही चेक करना है, कौन सा, C डबल C, C डबल N, N डबल N, बस ये देखना। रिंग सिस्टम वाला जीआई एग्जीबिशन स्टूडियो सेंटर में काउंट नहीं करना, क्योंकि वो कायरल सेंटर में काउंट हो जाते हैं। अभी मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा आपको, बहुत ध्यान से समझ लो क्या। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, क्या लिखा है, ऐसा डबल बॉन्ड जो जीआई एग्जिबिट कर रहा हो तो उसके लिए कितने सेंटर, सर 2 सेंटर। एक बार और बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, ऐसा डबल बॉन्ड जो जीआई एग्जिबिट कर रहा हो उसके 2 सेंटर काउंट करते हैं। भाई अगर तुम बोलो सर नहीं हम इसको लेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, इसको लेंगे ये नाराज हो जाएगा। जिंदगी में बात नाराजगी की है ना, तो किसी को नाराज नहीं करना हमें, ठीक। तो ध्यान से देखना जरा क्या लिखा रहा हूं मैं यहां पर, मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने ये देखो, स्टीरियो सेंटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे SC, ठीक है। स्टीरियो सेंटर इज इक्वल टू 2 पर जीआई एग्जिबिशन, पर जीआई एग्जिबिशन, वो हम चेक कर लेंगे जीआई एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अगर जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा तो वो स्टीरियो सेंटर मत बोल देना आप। अगर मैं बेटा ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा लिख दूं आप बोलो सर इसको भी हम स्टीरियो सेंटर लेंगे, अरे दादा ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। अगर जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहा है तो काय का स्टीरियो सेंटर। तो ध्यान रखना जीआई एग्जिबिशन जरूरी है, ठीक। चलो क्या लिखा मैंने, 2 पर जीआई एग्जिबिशन, ठीक है। और जीआई कौन से वाले लेने हैं, डबल बॉन्ड वाले, कौन से डबल बॉन्ड वाले सर, डबल, अरे क्या, डबल बॉन्ड वाले लेने हैं, C डबल C, C डबल N, N डबल N, ठीक, प्लस कायरल सेंटर। अब देखो जरा क्या कहानी आ गई, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, 2 लेने हैं जीआई एग्जिबिशन के, ठीक, और प्लस कायरल सेंटर लेने हैं तुम्हें। क्या लेने बेटा, कायरल सेंटर। ध्यान से देखना, एग्जांपल से क्लियर समझ में आएगा, बहुत आराम से समझ जाओगे, पंकज सर बहुत अच्छा समझाते हैं, ठीक। ध्यान से देखना, CH3, क्या सर अपनी तारीफ खुद ही, कभी कभी करनी पड़ती है, देखो ऐसा है, इसमें आपसे पूछा गया है स्टीरियो सेंटर बताओ, चलो बताना जरा स्टीरियो सेंटर। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट कर रहा है, यस कर रहा है, अरे ये तो हम चेक करना जानते हैं। इस कार्बन पर मिथाइल और एच अलग है, मिथाइल और एच अलग है, और इस कार्बन पर एच और ये पूरा ग्रुप अलग है, इसका मतलब ये सी डबल सी क्या करेगा, जी एग्जिबिट करेगा। और बेटा अगर इसने जी एग्जिबिट कर दिया तो ये सी डबल सी है ना, इसमें कितने कार्बन है, एक ये कार्बन एक, भाई सी डबल सी मतलब कार्बन डबल कार्बन है ना, तो इसके लिए कितने काउंट करोगे, 2, ठीक। तो स्टीरियो सेंटर इज इक्वल टू 2 आएंगे जी एग्जिबिशन वाले प्लस। अब ध्यान से देखना, कोई कायरल सेंटर है क्या, अब कायरल सेंटर में सारे ही सोचने हैं आपको, क्या कायरल कार्बन, कायरल नाइट्रोजन, कायरल सल्फर, कायरल फास्फोरस, कायरल ऑक्सीजन, सारे सोचने हैं, ठीक है। चलो बताओ इसमें कोई आपको ऐसा तो दिख नहीं रहा, कायरल सल्फर, कायरल फास्फोरस, कायरल नाइट्रोजन, कायरल ऑक्सीजन का जरूर सोच सकते हो क्या, इस ऑक्सीजन पे सोचो तो आप देखोगे सर इसके पास तो 2 लोन पेयर है तो ये कायरल में नहीं आएगा, तो इसको हटा दो, इसके बारे में नहीं सोचना। अब सभी आपको कार्बन दिख रहे हैं, क्या ये कायरल कार्बन है, नहीं है, क्यों, 3 है, 3 एच लगे, ये तो डबल बॉन्ड वाले वैसे भी कायरल नहीं होंगे, sp2 हो जाएगा। ये कायरल है क्या, यस, क्यों, इस कार्बन का 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा हो गए और ये कायरल कार्बन हो गया तो 1 इसमें काउंट हो जाएगा, तो टोटल 3 आंसर आ जाएगा। ये कायरल तो तुम्हें वैसे नहीं दिख रहा, 3H दिख रहे हैं, देख लो, अरे सामने से देखो तो, कहां जा रहे हो, इधर देखो, 3H दिख रहे हैं ना, सही समझ गए कहानी स्टीरियो सेंटर की। एक और हो जाए, अरे आओ सर एक और करते हैं। अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखते जाना, चलो भाई बताओ टोटल स्टीरियो सेंटर बता दो तो सारी चीजें उसमें हो जाएंगी। बताना स्टीरियो सेंटर कैसे चेक करते हो, सबसे पहले ये चेक करो कहीं कंपाउंड में डबल बॉन्ड तो नहीं है। अगर डबल बॉन्ड हुआ, देखो जैसे ये डबल बॉन्ड हुआ क्या, एन डबल एन, तो क्या ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है, यस करेगा, क्यों करेगा बेटा, लोन पेयर, लोन पेयर, देखना इस नाइट्रोजन के पास ये ग्रुप और ये लोन पेयर डिफरेंट, इसके पास लोन पेयर और ग्रुप डिफरेंट, इसका मतलब क्या है, ये वाला सिस्टम कौन सा, ये जीआई एग्जिबिट करेगा, इसका मतलब ये दोनों ही सेंटर में काउंट होंगे, तो कितने लिख देंगे, 2, बहुत आराम से समझना। मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये जीआई एग्जिबिट कर रहा था और बेटा जीआई एग्जिबिट करेगा तो दोनों ही काउंट करेंगे सेंटर में, ठीक। अब आ जाओ जरा प्लस, ठीक।
अब देखो कोई कायरल सेंटर है क्या? ये वाला कायरल सेंटर है, कैसे? एच लगा है और ये कायरल हो गया, चारों ग्रुप डिफरेंट है, sp3 है। इस वाले के बारे में बताएंगे, एच लगा है तो ये कायरल हो गया, मिथाइल अलग, इथाइल अलग, ये ग्रुप अलग और एच अलग, मतलब दो हो गए कायरल सेंटर, मतलब दो और दो चार स्टीरियो सेंटर। ठीक, अब मुझे बताना, बहुत अच्छी चीज लिख रहा हूं, मतलब पूछूंगा पहले फिर बताऊंगा, है ना? क्या बताना? ट्रू फॉल्स में दिमाग लगाओ, सोचो। ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर कायरल सेंटर्स, सोचो आराम से सोचो, ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर कायरल सेंटर्स, ट्रू और फॉल्स? आराम से, ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर कायरल सेंटर्स, ट्रू या फॉल्स? चलो लिख दी देते हैं यहां पर, क्या MI स्टार लिखेंगे दादा, MI स्टार, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं? ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर, ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर कायरल सेंटर्स, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सभी स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर होते हैं क्या? नहीं होते, क्यों? अरे बेटा ये जो दिख रहा है ये क्या है? एंड डबल एन क्या है? ये है तुम्हारा स्टीरियो सेंटर। क्या इसको कायरल सेंटर बोलोगे? कैसे बोल दोगे भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, इसका मतलब ये क्या है? सर फाल्स है। क्या है? फाल्स। क्या बड़ा? फाल्स। अब दूसरा बताना, ये पहला पॉइंट। दूसरा, ऑल कायरल सेंटर्स, सी सेंटर लिख रहा हूं ना, ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर्स। यस डेफिनेटली, क्यों? स्टीरियो सेंटर की डेफिनेशन में ही लिखा है क्या? कायरल सेंटर इंक्लूड करने ही है, मतलब सारे कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर होते हैं, लेकिन सारे स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर नहीं होते, समझ गए बात को? तो ऑल सी सेंटर आर स्टीरियो सेंटर, और ये बात परम सत्य है। क्या है? ट्रू। क्या है? ट्रू। समझ गए कहानी? एक सवाल मेरी तरफ से आपको, ध्यान से देखना, चलो ऐड करके बताते हैं, पहले आप ट्राई करना और फिर हम बताएंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ऐसा 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 ऐसा, ये CH डबल बॉन्ड CH CH3 और CH डबल बॉन्ड NH। चलो भाई क्या क्या बताना है? टोटल सी सेंटर, ठीक है, टोटल सी कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, कायरल कार्बन, टोटल स्टीरियो सेंटर। तो आपकी अभी तक जो पढ़ा पूरी कहानी एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी, आराम से पॉज करो, ट्राई करो, वापस आओ, पंकज सर यहीं मिलेंगे आपको। चलो शुरू करें, करो भाई ट्राई, क्या देख रहे हो? चलो देखना, सबसे पहले कायरल सेंटर सोचेंगे, क्या सोचेंगे? कायरल सेंटर। तो सर एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, अब तो दिख गया होगा आपको, क्यों? इस पर एक एच होगा, इस पर भी एक एच होगा, ठीक है, इसको इंडिविजुअल देखना। इस वाले कार्बन पर ये अलग लगा है, एच अलग लगा है, ये इधर से जाओगे अलग डिपार्टमेंट है, मतलब अलग कनेक्टिविटी, ऊपर जाओगे अलग कनेक्टिविटी, मतलब ये कायरल ये भी कायरल। और कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मतलब कायरल सेंटर बेटा दो होंगे। अब बताओ इनमें से कितने कार्बन है? दोनों ही कार्बन है तो कायरल कार्बन भी दो होंगे, ध्यान सुनना, कायरल सेंटर हो इनमें से कितने कार्बन? दो कार्बन, तो बेटा कायरल कार्बन भी तुम्हारे दो। अब आगे बढ़ो, स्टीरियो सेंटर कितने हैं? स्टीरियो सेंटर में कायरल सेंटर तो आते ही हैं, तो मैंने ये दो तो कर ही दिए। अब ये चेक करो क्या GI एग्जीबिशन हो रहा है, और GI एग्जीबिशन कौन सा चेक करना है, ध्यान से सुनना, GI एग्जीबिशन कौन सा चेक करना है? डबल बॉन्ड वाला। देखो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग वाला GI एग्जीबिशन होगा, लेकिन ये आपने ऑलरेडी कायरल सेंटर में काउंट कर लिया, मतलब कायरल कार्बन में काउंट कर लिया, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। कायरल सेंटर आपने लिखा दो, तो कायरल कार्बन भी आपने दो लिख दिया, क्योंकि कायरल सेंटर मतलब कायरल कार्बन उसका ही अंदर आता है, तो कायरल सेंटर दो थे, उन दोनों में से दोनों ही कार्बन थे। लेकिन स्टीरियो सेंटर लिखते समय, ध्यान से सुनना, स्टीरियो सेंटर लिखते टाइम आपको क्या करना है, ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड का केस होता है जो मैंने आपको बताया था, इसको हम इंक्लूड नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये कायरल सेंटर में आपने कायरल कार्बन में इंक्लूड कर चुके हो दो, तो आपको कौन से देखने, इसलिए मैं बोल रहा था कौन से देखने आपको, डबल बॉन्ड वाले।
जब कभी भी स्टीरियो सेंटर देखा करो तो डबल बॉन्ड वाले जी एग्जीक्यूशन देखा करो और बाकी कायरल सेंटर देखा करो, बस इतना चेक कर लिया करो, है ना। चलो ये हो गए कायरल सेंटर दो, और ये जी आई एग्जिबिट करेगा, यस करेगा, ये भी करेगा, यस करेगा। सर ये क्यों करेगा? इस कार्बन पर ये ग्रुप अलग, एच अलग, इस कार्बन पर ये एच अलग, मिथाइल अलग, मतलब डिफरेंट ग्रुप हो गए ना आपके। और इस वाले पर सी पर ये अलग, एच अलग, इस नाइट्रोजन पर एच अलग और लोन पेयर अलग, तो ये भी एग्जिबिट करेगा। तो इसके कितने सेंटर? दो। और इसके कितने सेंटर? दो। दो और दो कितने? चार। ये चार क्या हो गए आपके? जीआई एग्जिबिशन वाले, डबल बॉन्ड वाले। और दो क्यों लिखे मैंने? कायरल सेंटर वाले। ठीक है, तो कहानी खत्म। चार प्लस दो बचपन से छह, समझ गए बात को? बहुत ध्यान से सुनना, इस चीज को छोड़ना नहीं। इधर आओ, स्टीरियो सेंटर लिखते टाइम आपको जीआई एग्जिबिशन सिर्फ डबल बॉन्ड का चेक करना है, सी डबल सी, सी डबल एन, एन डबल एन, बस। और बाकी कायरल सेंटर ले लो, कहानी खत्म। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े, समझ गए हो गया। चलो भाई अगला है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान से सुनना, आरएस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। आरएस में ये जो बड़ा आर होता है ना, कौन सा? ये जो आर होता है ना, आर, आर को बोलते हैं रेक्टस। रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज। और एस को बोलते हैं सिनिस्टर। क्या बोलते हैं? सिनिस्टर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, होता क्या है बेटा? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला एक चीज होती है जो हम लिखेंगे, अभी बताएंगे, है ना। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला एक चीज होती है, और उस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हम कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। हम क्यों असाइन करते हैं, हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम कंपाउंड के बीच में रिलेशन बता सकें। रिलेशन किस टाइप का, अभी थोड़ी देर बाद आएगा। पहले मैं आपको आरएस सिखा दूं, आरएस सीख लो, उसके बाद हम रिलेशन भी सीख लेंगे, है ना। चलो तो देखना जरा, रेक्टस क्लॉकवाइज, सिनिस्टर एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से समझना। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला एफपीएफ क्या होता है। क्या लिख रहा हूं मैं? फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला एफपीएफ लिख रहा हूं इसको। अब ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, वो ध्यान से देखेंगे। हम कायरल कार्बन के लिए बनाते हैं। कैसे? जैसे ये मान लो ये कार्बन कायरल है, यहां पर ये कार्बन कायरल है, तो इस कायरल कार्बन, अलग उससे बना देता हूं कलर से तो आपको दिख जाएगा, ये कार्बन क्या है? कायरल है। ठीक है, तो ये कार्बन अगर कायरल है तो इसके लिए इधर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बॉन्ड। ये क्या? हॉरिजॉन्टल। ये क्या? हॉरिजॉन्टल। ये क्या? वर्टिकल। ये क्या? वर्टिकल। तो कायरल कार्बन अगर मैं इसको बोल रहा हूं तो इन सभी जगह ग्रुप डिफरेंट लगे होंगे। अब ऐसा मत कहना सर आपने यहां भी एच लगा दिया, यहां भी एच, पागल हो क्या? इस एच का मतलब हॉरिजॉन्टल है, एच, अभी अपन ने एटम एच नहीं लगाया है ना। तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल। और अगर ये कार्बन कायरल है तो हम इसके लिए असाइन करते हैं कॉन्फिगरेशन। जैसे बहुत आसान सी चीज है, मान लो मैंने ऐसा बना दिया, ध्यान से देखना, यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया OH, यहां लगा दिया H, और यहां लगा दिया BR। ठीक है, तो आप देखो जरा, इस OH और इस BR को बोलोगे हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर लगे हैं, ठीक, और CH3 और H को बोलोगे वर्टिकल बॉन्ड पर लगे हैं। तो ये कार्बन कायरल है क्या? यस, है ना। देखो ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, और चार सिग्मा मतलब कायरल है, सीधा सा है। तो पहले आप ये समझो, फिर तो मैं आरएस आपको निकालना सिखा दूंगा। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हम क्या बताते हैं? हॉरिजॉन्टल बॉन्ड और वर्टिकल बॉन्ड बताते हैं। चारों ग्रुप अगर डिफरेंट लगे हैं, इसका मतलब क्या है? वो कार्बन कायरल है। क्या है? कायरल है। ठीक है, क्लियर बात। चलो भाई अब मैं आपको इसके अंदर की बात बताता हूं, आरएस हम चेक कैसे करेंगे। आर का मतलब रेक्टस, एस का मतलब सिनिस्टर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये मतलब क्या है इसका? अब हम क्या करने वाले हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को आगे और एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इसी को कॉपी पेस्ट करके यहां पर आपको एडिट कर देता हूं, ध्यान से देखना। ये तो चला जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना जरा बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन में बेटा देखो, अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हम बताते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है वो समझना। जैसे मेरे पास, मैं केस बना के लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। केस वन, इफ नंबर फोर, अब ये बताऊंगा क्या होता है नंबर फोर। इफ नंबर फोर इज ऑन वर्टिकल पोजिशन, जाना नहीं कहीं, पूरा समझ के जाना, अभी अभी मैंने सिखाया नहीं है ना। इफ नंबर फोर इज ऑन वर्टिकल
पोजीशन। अगर चार नंबर वाला वर्टिकल पोजीशन पर है तो सर ये चार नंबर का मतलब क्या है? हम लगाएंगे बेटा सीआईपी रूल, ध्यान सुनना, क्या लगाएंगे? सीआईपी रूल, जो कि मैंने आपको जेड ई नॉमन क्लेचर में सिखाया था। किसमें? जेड ई नॉमन क्लेचर में सीखा था सीआईपी रूल। ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा बनाता हूं, यहां एच लगा दिया, यहां सी एच थ्री, यहां ओ एच लगा दिया और यहां बी आर लगा दिया, तो तुम्हें कैसे चेक करना है? बहुत ध्यान से देखना, इस कार्बन के लिए, इस कायरल कार्बन के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? सीआईपी रूल लगा के। कैसे लिखना? देखो बताना जरा, इस कार्बन से आप चारों दिशाओं में जाओ, चारों डायरेक्शन में जाओ। कहां? देखो इधर का क्या मिला? पहला एटम सी। सीआईपी रूल कैसे लगाते हैं? जो लोग नए भी देख रहे हैं ना, जिन्होंने जेड ई नहीं पढ़ा है, वो भी समझ लो। इधर आओ, इस कार्बन से इधर चले क्या मिला? कार्बन। इस कार्बन से इधर चले क्या मिला? ऑक्सीजन। इससे नीचे चले क्या मिला? हाइड्रोजन। इससे इधर चले क्या मिला? ब्रोमीन, Br। ठीक है, अब बताओ जरा, ब्रोमीन, कार्बन, ऑक्सीजन और एच। अब आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। कैसे अरेंज करोगे? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। Br को नंबर वन, क्यों? एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। चलो भाई आगे बढ़ो। OH को नंबर टू, क्यों? इससे कम एटॉमिक नंबर। फिर ये तीन और ये चार। अब तुम्हें क्या करना है? वन से टू, टू से थ्री, शॉर्टेस्ट पाथ से चलना है। कैसे चलना है? वन से टू, टू से थ्री, कैसे चलना है? शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना है। क्या करना है? शॉर्टेस्ट पाथ। कैसे? ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे चलता हूं, कैसे? ऐसे वन से टू ऐसे चलता हूं, तो वन से टू ऐसे जाना है, ठीक है? वन से टू ऐसे गए, ठीक। आप ऐसे चलो या ऐसे चलो, बात तो बराबर ही है। क्यों? वन के सामने टू है, तो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलो चाहे क्लॉकवाइज चलो, बात बराबर है, ठीक। अब आप देखना जरा, वन से टू जब ऐसे जाओगे तो तुम्हें टू से थ्री जाना है फिर, और टू से थ्री तुम्हें आसान पड़ेगा, मतलब कम पाथ है, मतलब कम डिस्टेंस कवर करनी है, और यहां से टू से थ्री जाओगे तो तुम्हें ज्यादा कवर करनी है। समझ रहे बात को? तो अब बताओ जरा कौन सा शॉर्टेस्ट है, ध्यान से देखना। फिर सुनो, वन से टू ऐसे जाओ, ठीक है, ऐसे जाओगे वन से टू, और टू से थ्री चले जाओगे फिर, तो वन से टू और तुरंत आपको टू से थ्री मिल जाएगा। अगर आप उल्टा चलते हो, जैसे ध्यान से देखना, अगर आप ऐसा चलते हो, नहीं सर हम ऐसे जाएंगे, वन से टू और फिर टू से थ्री जाओगे, तो बहुत लंबा पाथ कवर करना पड़ेगा। तो आपको क्या लेना है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ। क्या लेना है? शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, ठीक। तो ध्यान से देखो, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा लोगे आप? ये वाला, वन से टू और टू से थ्री। तो क्या रहा है ये? ऐसा। ऐसे का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एस। बात समझ गए? बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस पहला बेसिक समझ लो, करना क्या है? वन से टू, टू से थ्री, शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना है, ठीक। जैसे थोड़ा सा और एग्जांपल के लिए बता देता हूं, जैसे मान लो ऐसा होता, कभी ऐसा आता प्रायोरिटी यहां वन, यहां टू, यहां थ्री, यहां फोर, तो कैसे जाते? वन से टू ऐसे जाते ना, ऐसे थोड़ी आते आप वन से टू, समझ गए कहानी, ठीक। ऐसे जाते तो आपका एंटी क्लॉकवाइज मिलता। अगर मान लो ऐसा लिखा होता, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, बताओ, तो वन से टू शॉर्टेस्ट यही आ गया, ठीक। और बताओ, और देखना जरा, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ऐसा होता तो वन से टू, टू से थ्री जाना, तो वन से टू चाहे ऐसे जाते चाहे ऐसे जाते, बात बराबर थी, ठीक है। तो वन से टू ऐसे जाकर आप टू से थ्री आपको तुरंत मिल जाता, अगर आप ऐसे जाते वन से टू तो टू से थ्री आपको बहुत देर में मिलता। बात समझते जाना है ना, अगर ऐसा होता, कैसा कैसा बड़ा ऐसा, देखो अगर ऐसा होता, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, तो कैसे जाते? वन से टू जाते, टू से थ्री तुरंत, यही तो है ये, समझ गया। तो ऐसे आपको चेक करना है। चलो भाई ये हो गया अपना केस वन। क्या? अगर चार नंबर वाला आपका कहां पर हो? वर्टिकल पोजीशन पर हो, ठीक। अब आते हैं केस टू पर, ध्यान से देखते जाना। केस टू, इफ इफ नंबर फोर इज ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इफ नंबर फोर इज ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आता है, ठीक, देन मेक अ स्विच। इसका मतलब क्या है? आंसर पलट दो, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश वाली हिंदी में, पढ़ना तो आती होगी आपको। आंसर पलट दो,
पलट, क्या पलट, ठीक है चलो ध्यान से देखना। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, यहां H, इधर OH, इधर CH3 और इधर NH2, इस कार्बन के लिए आप असाइन करो जरा 1 2 3 4, बताओ इस कार्बन से इधर चलोगे, पहला आइटम नाइट्रोजन, पहला आइटम ऑक्सीजन, पहला आइटम हाइड्रोजन, पहला आइटम कार्बन, ठीक, CIP रूल लगाना है आपको, है ना। पहला आइटम अगर सेम होता तो दूसरे आइटम पे चले जाते, अगर आइसोटोप होता तो हैवियर वाला ले लेते, ठीक है, वो सारे रूल आप एक बार देख लेना ZE वाले। चलो शुरू करते हैं, अब इससे चलना है, ठीक है, इससे चलना है। चलो भाई इधर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन, तो बेटा ऑक्सीजन को नंबर 1, सही है, नाइट्रोजन को नंबर 2, क्या बात, कार्बन को नंबर 3 और बड़ा ये आ गया 4। अब सुनना ध्यान से, शॉर्टेस्ट पाथ बताना जरा, बताओ 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाते, क्या आता एंटी क्लॉकवाइज S, लेकिन आंसर पलट दो R। ये एक तरीका होता है, हर टीचर का अपना तरीका होता है, अपना ये वाला तरीका है कि जब कभी भी हॉरिजॉन्टल पर 4 नंबर आएगा, चाहे इधर या इधर, तो आपको पलट देना। जैसे कुछ अपन और वेरिएशन कर लेते हैं, ठीक, पहले आप ये देख लो, तो मैं आपको एग्जांपल और वेरिएशन बताता हूं कि अब कब पलटना है आपको, है ना। पहला केस क्या है, नंबर 4 वर्टिकल पे कोई स्विच नहीं, नंबर 4 हॉरिजॉन्टल पे स्विच मार देना आप, आंसर पलट देना, ठीक है। अब मैं आपको इसी में ही एक चीज और ऐड कर देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना जरा कहां गया, ध्यान से देखना, मैं आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूं और साथ साथ आपको और वेरिएशन बताता हूं इसमें, करें शुरू, तैयार हो, चलो देखो ध्यान से देखना जरा, क्वेश्चन ये कह रहा फाइंड RS, RS फाइंड करना है, ठीक है, R कॉमा S, RS इनमें से आपको बताना है R है कि S है। पहला सवाल ये आया आपकी स्क्रीन पर ऐसा, ठीक है, H यहां लगा दिया मैंने CH2, CH3 यहां लगा दिया CH3 और यहां लगा दिया फ्लोरीन। बताओ जरा, पहले आप ट्राई करो फिर मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है, जिसको पहली बार में समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो एक बार और देख लेना अभी इस क्वेश्चन से। चलो बताओ जरा इस कायरल कार्बन का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, R होगा या S होगा, ठीक है, ध्यान से बताओ, आराम से बताओ, तसल्ली से, R होगा या S होगा बताना। चलो कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लो, हम यहीं खड़े हैं, अरे हम ऐसे ही देखते रहेंगे, है ना। चलो शुरू करते हैं, इस वाले फ्लोरीन पर 1, ठीक है, इससे इधर चले कार्बन, इधर चले तो कार्बन, अरे बेटा अगर कार्बन कार्बन सेम आ गया ना, मतलब पहला एटम सेम आ गया तो हम दूसरे एटम पे चलेंगे, ठीक, तो ये और ये क्या आ गए, सेम आ गए, तो अब अगला एटम देखो, अगला कौन सा देखते हैं, हायर एटॉमिक नंबर वाला, तो इस कार्बन से हायर एटॉमिक नंबर वाला कार्बन, यहां कोई चॉइस नहीं तो हाइड्रोजन, ठीक है, तो क्या क्या कंपेयर कराओगे देखना, इधर कार्बन सेम सेम, अगला आइटम इसका ये वाला लोगे और इधर हाइड्रोजन वाला लोगे, ऐसे कंपेयर कराओगे, तो ये सेम है, ये कार्बन ही हाइड्रोजन, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। चलो इसको अभी मैं ऐसे हटा देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। अब अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये क्या था तुम्हारा, नंबर 1 था, है ना, इसको नंबर 1 ऐसा कर देते, 1 था, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, बताना जरा, 1 2 3 4 कर दिया मैंने, बोलो 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ, 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसे आओगे, देखो ना, अगर आप इसको करना चाहो तो ऐसे भी लिख लो, 1 2 3 4 कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे ना, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, क्या आ रहा है, R, आंसर निकाल लिया। अब सोचो क्या इसको स्विच करना है, 4 नंबर वाला अगर वर्टिकल पे है तो स्विच नहीं करते हैं, 4 नंबर वाला अगर वर्टिकल पे है तो स्विच नहीं करते हैं, समझ गए कहानी। चलो भाई एक और सवाल आपके सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, टन देखो ऐसा कह रहे हैं, ये एच यहां लगा दिया, यहां OH लगा दिया, यहां ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है, और यहां लगा दिया सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ठीक है, तो इस कार्बन का आपको बताना है RS नॉमेनक्लेचर, इस कार्बन का बताओ जरा, CIP रूल लगाना है। चलो भाई तो इस कार्बन से यहां चले BR, बंद हो गए ऊपर ऑक्सीजन को 2, इधर कार्बन को 3 और इधर 4, ठीक, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ऐसे
ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। चलो जरा शॉर्टेस्ट पाथ से, तो वन से टू, टू से थ्री ऐसे जाओगे, शॉर्टेस्ट पाथ क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज ऐसा आएगा, लेकिन आंसर स्विच करके क्या लिख देंगे? आर। क्यों? क्योंकि फोर वाला हॉरिजॉन्टल पे है। तो इस तरीके से हम आर एस निकालते हैं, समझ गया कहानी? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा वो देख लो जरा, है ना, क्योंकि ये क्या है, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले वेलकम किया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, हमने क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले? कायरल सेट। अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने एक भी चीज नहीं समझी, अभी हमें पता ही नहीं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता, अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं इसके, है ना। कायरल कार्बन, कायरल नाइट्रोजन, ठीक है, कायरल फॉस्फोरस सल्फर, ये हो गया, ये कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, ठीक। फिर हमने क्या है, स्टीरियो सेंटर पे आ गए थे हम, फिर हम आरएस पे चले गए, समझ गए आरएस कैसे निकालना है, सीआईपी रूल लगाना है, स्विच कब करना है कब नहीं करना, वर्टिकल पे चार नंबर स्विच नहीं करना, हॉरिजॉन्टल पे स्विच कर देना आंसर को, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस इसकी करा दी। अब चलते हैं बेटा आगे, अब आगे कहानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, अब समझना बात को ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान समझना बात को, क्या कहना है इनका। देखो एक्चुअल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक एक्सपेरिमेंट होता है, पोलेरीमीटर, ध्यान से सुनना आराम से। अब मेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां से आपका शुरू होता है, अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे थे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई भी कंपाउंड के लिए हम चेक करते हैं तो हम ये बताते हैं पोलेरीमीटर एक्सपेरिमेंट। तो ये जो चीजें चल रही है क्या है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं पोलेरीमीटर एक्सपेरिमेंट। क्या बोलूंगा? पोलेरीमीटर। क्या बेटा? पोलेरीमीटर एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे? पोलेरीमीटर एक्सपेरिमेंट है ये। क्या होता है इसमें, ध्यान समझना, ये है ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है बेटा? जो हर डायरेक्शन में फैलती है। ऑर्डिनरी लाइट मतलब हर डायरेक्शन में फैलने वाली लाइट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। अब यहां पर ये लगा दिया पोलराइजिंग प्रिज्म, ठीक है, इसका नाम हम निकोल प्रिज्म भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बेटा निकोल प्रिज्म बोलते हैं। CaCO3 मटेरियल इसमें यूज करते हैं, निकोल प्रिज्म, ठीक है, पोलराइजर होता है ये। क्या करता है ये, इसका काम क्या है ये तो सुन लो। ये हर डायरेक्शन में, जो लाइट हर डायरेक्शन में आपकी फैल रही थी उसको एक डायरेक्शन में कर देता है। जो लाइट हर डायरेक्शन में फैल रही थी, हर डायरेक्शन में जो लाइट जा रही है उसको एक डायरेक्शन में कर देगा। और ये एक डायरेक्शन का मतलब किसी भी एक डायरेक्शन, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे आपके घर में जो बल्ब लगा CFL वगैरह लगी है वो हर जगह हर डायरेक्शन में फैल रही है, लेकिन आप कहीं लेजर आपने देखी आपके पास बचपन में लेजर, तो वो एक डायरेक्शन में जाती है। उसी टाइप से कुछ होता है कि यहां पर हर डायरेक्शन में फैलती है, यहां एक ही डायरेक्शन में जाती है, और इस एक ही डायरेक्शन में जाने वाली लाइट को बोलते हैं PPL। फुल फॉर्म है प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL बोलते हैं। तो ये एक ही डायरेक्शन में जाने वाली क्या होगी? PPL। अब क्या होता है, ये मेरे पास एक ट्यूब होता है, ठीक है, इस ट्यूब को बोलते हैं सैंपल ट्यूब बोला, जिसमें सॉल्यूशन है। तो मेरे पास यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है? सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है? सॉल्यूशन। किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, ठीक। तो ये मेरे पास यहां पर सॉल्यूशन है, किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। और ये जो पोलेरीमीटर है इसकी लेंथ में एल मान लेता हूं, ठीक है, डेसीमीटर में लेंथ होती है, और सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ग्राम पर ml में, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर ml में होती है, ठीक। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन भरा हुआ है। बाय डिफॉल्ट हम ग्राम पर ml में लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, लेंथ डेसीमीटर में लेते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइट है, ध्यान सुनना, ये जो लाइट है जब इससे गुजरती है, किससे? ये लाइट जब इससे गुजरती है तो ये लाइट या तो घूमेगी या नहीं घूमेगी, ध्यान से सुनना। ये लाइट जब इस सॉल्यूशन से गुजरेगी तो ये या तो घूमेगी या नहीं घूमेगी। अगर ये नहीं घूमती है तो बोलते हैं कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये मतलब है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। क्या बोला मैंने, ध्यान सुनना, पहले ऑर्डिनरी लाइट थी, निकोल प्रिज्म से तुमने पास किया, PPL बन गई। अब PPL घूमती है या नहीं घूमती है? अगर PPL नहीं घूमती है इसका मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव है कंपाउंड। अगर घूमती है तो भी दो कारण, मतलब तो भी दो टाइप, अगर घूमती है तो भी दो टाइप, कैसे? क्लॉकवाइज घूमती है या एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का आरएस के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई भी लेना देना नहीं है। आरएस सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि हम कंपाउंड में कंपैरिजन के लिए बताते हैं। आरएस का जो क्लॉकवाइज था उसका इसके क्लॉकवाइज से कोई लेना देना नहीं है।
आरएस का जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है उसके इसके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई लेना देना ही नहीं है भाई, 0.001% भी लेना देना नहीं, मतलब लेना देना है ही नहीं, अलग अलग है दोनों। आरएस का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो हमने सीखा अभी पीछे, वो सिर्फ दो कंपाउंड में कंपैरिजन के लिए सीखा है, जो अभी मैं सिखाऊंगा आपको। इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग होता है। इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि आप बोलोगे सर वर्ड तो सेम ही, अलग अलग क्यों? आरएस में जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है वो एक अलग चीज है, आप ये समझो, और इसमें जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ये अलग चीज है, ये एक्सपेरिमेंटल है, वो बनाए गए थी चीजें, है ना, ध्यान से सुनना, ये क्या एक्सपेरिमेंटल है। कैसे? अगर ये क्लॉकवाइज घूमती है, अगर ये पीपीएल क्लॉकवाइज घूमती है तो यहां पर क्या है, यहां पर ये एनालाइजर एक लगा रहता है जहां पर रीडिंग रहती है, तो अगर उसमें आपको ये महसूस होता है, मतलब ये नजर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है तो देख ही लोगे ना, यहां देखो आई ऑफ ऑब्जर्वर आंख, ठीक है, तो यहां पर आंख लगी है, मतलब आप देख रहे हो तो देख ही जाएगा ना। अगर ये क्लॉकवाइज घूमती है तो ये मैं लिख रहा हूं यहां पर प्लस थीटा लिख देता हूं, है ना, प्लस थीटा। तो अगर क्लॉकवाइज घूमती है तो हम लिखते हैं प्लस थीटा, मतलब कुछ एंगल प्लस 30 मान लो, प्लस 15 ऐसा कुछ भी। एंटी क्लॉकवाइज होती है तो माइनस होता है वो, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूं पूरा का पूरी कहानी क्या है, इधर बहुत ध्यान से। अपने पास ऑर्डिनरी लाइट है जिसको तुमने किससे पास किया, प्रिज्म से पास किया, क्या बन गई, पीपीएल बन गई। अब ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करने पर अगर वो घूमती है तो ऑप्टिकल एक्टिव है वो कंपाउंड जिसका सॉल्यूशन लिया है तुमने, समझना बात को। अगर ये लाइट घूमती है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, अगर ये ऐसी की ऐसी ही रहती है एंड तक तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है। अगर घूमती है तो कैसे घूमेगी सर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मैं थोड़ी बताया तभी तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना। तो क्लॉकवाइज घूमती है तो सर उसको क्या बोलोगे, ऑप्टिकल एक्टिव। एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो क्या बोलोगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव, सॉरी ऑप्टिकल एक्टिव तब भी होगा, नहीं घूमती है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, है ना। ध्यान से फिर से एक और बार सुन लो, अगर लाइट घूमती है तो क्लॉकवाइज घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमेगी तो भी ऑप्टिकल एक्टिव, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो भी ऑप्टिकली एक्टिव, अगर सीधी निकल गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ गए। तो ये कहानी है, अगर क्लॉकवाइज घूमती है तो उसका नाम होता है इस कंपाउंड का डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो लेवो रोटेटरी कंपाउंड। अब ये जो मैंने इतनी रामायण आपको बोली है ये अगले पेज में मैं लिख देता हूं तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ये आप एक्सपेरिमेंट एक बार देख लो अच्छे से, फिर मैं जो चीज बोली वो लिख देता हूं, ठीक है, करें शुरू। चलो भाई मैं यहां पर ऐड कर देता हूं आपके लिए, मेरे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी ऑर्डिनरी लाइट, क्या है ऑर्डिनरी लाइट, क्या है बेटा ऑर्डिनरी, मेरे पास है ऑर्डिनरी लाइट, ध्यान से देखना जरा, क्या है ऑर्डिनरी लाइट है, ध्यान से देखो ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। इसको मैंने पास किया किससे, इसको ऑर्डिनरी लाइट को पास किया मैंने निकोल प्रिज्म से, निकोल प्रिज्म से, तो क्या बन गई थी ये, पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट, क्या बन गई थी ये, पीपीएल, ठीक है। अब इस पीपीएल के बारे में हम बात करेंगे, इस पीपीएल को मैंने पास कराया किससे, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से, किससे पास कराया, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ओएस मतलब ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। तो कहानी ये थी कि अब यहां से दो चीजें डिवाइड होंगी, क्या, इफ पीपीएल, इफ पीपीएल डज नॉट रोटेट, इफ पीपीएल डज नॉट रोटेट, अगर पीपीएल नहीं घूमती है तो हम बोल देंगे कंपाउंड इज, कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ रहे हो बात को, अगर नहीं घूमती तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक। इफ पीपीएल रोटेट्स, अगर पीपीएल रोटेट होती है, ठीक, जो मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट में बताया, तो दो चीजें हैं, क्या, क्लॉकवाइज में हो या एंटी क्लॉकवाइज में हो। अगर क्लॉकवाइज में घूमती है तो हम थीटा क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो थीटा क्या लिखते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव वाले का नाम बेटा क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, और नेगेटिव वाले का नाम था
लेवो रोटेटरी, ये इन कंपाउंड को बोलते हैं, समझ गए कहानी। तो जो एक्सपेरिमेंट था उसी को मैंने यहां पर थ्योरेटिकल फॉर्म में बता दिया। देखो ऑर्डिनरी लाइट निकोलबेन से पास किया, पीपीएल बनी, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास किया, अगर नहीं घूमी तो इनएक्टिव, घूम गई तो एक्टिव। अब घूमने पर भी दो कारण, मतलब दो चीजें, क्या क्लॉकवाइज घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, अगर बेटा क्लॉकवाइज तो डेक्सरोटेटरी और एंटी क्लॉकवाइज तो लेवोरोटेटरी होता है, समझ गए कहानी। तो ये था अपना एक्सपेरिमेंट, ठीक है चलें आगे, बहुत आराम से इसको नोट कर लो, अच्छी चीज लिखी है मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन। अब सुनो जरा, आपके पास तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होंगे तो आप बार बार पोलरीमीटर में डाल डाल के चेक करोगे कि कंपाउंड ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो बहुत सारे कंपाउंड में तो ऐसा चेक किया गया, लेकिन हर कंपाउंड में आप चेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मतलब आप देखो ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही आपको पूरा अरेंजमेंट सेटअप करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो आप बार बार ये नहीं करोगे, है ना। तो आप बहुत सारे कंपाउंड में चेक कर लिया गया और ऐसा देखा गया कि ऐसे कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव निकले, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऐसे निकले। तो बता दिया गया कि हाँ पीओएस या सीओएस दो में से कोई एक चीज अगर होगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा कंपाउंड। क्या बोला मैंने, आप बार बार एक्सपेरिमेंट में चेक नहीं करोगे, आप कंपाउंड में ही देख लोगे क्या कि कंपाउंड में पीओएस है या नहीं है या सीओएस है या नहीं है। कैसे देखते हैं बताऊंगा, हम उससे देखेंगे पीओएस या सीओएस से, अगर कहीं भी पीओएस या सीओएस में से कोई भी एक आ गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक। अब अपन चलते हैं, हम बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कंपाउंड देख के आंसर कर देंगे कि ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, समझ गए, यही चीज है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बस, है ना। चलो भाई शुरू करो, क्या लिखा मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बता रहा हूं। पहली कंडीशन क्या, पीओएस चेक करेंगे, है ना, ध्यान से देखना जरा, समझना बात को, क्या पीओएस, अच्छा पीओएस होती क्या पढ़ना जरा, पीओएस मतलब होती प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस का फुल फॉर्म लिख रहा हूं, क्या प्लेन ऑफ, क्या लिखा बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या लिखा प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलो शुरू करते हैं, क्या अ प्लेन, क्या प्लेन विच डिवाइड्स अ मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स, क्या मतलब इस चीज का, बहुत ध्यान से देखेंगे, इधर आओ, जाओ मत कहीं, इधर देखते रहो, मैं आपको अल्फाबेट से सिखाता हूं। देखो मेरे पास लिखा है, इससे लिख के ट्राई करें, देखो मेरे पास लिखा है ए, अरे वाह कितना अच्छा लिख गया, देखो मेरे पास क्या लिखा बेटा ए, क्या लिखा ए, ए ध्यान से देखना, मेरे पास लिखा ए, बताओ जरा क्या इसमें पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, पढ़ो डेफिनेशन, ऐसा प्लेन जिसको डालें तो मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, ऐसा प्लेन जिसको डालें तो मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, बताओ क्या हो गया, अच्छा ऑटोमेटिक ही चल रहा है सब, ठीक है इधर देखो, ऐसा प्लेन जिसको डालें तो मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, इसका मतलब सर एक काम करो, हम आपको बताते हैं, देखो देखो देखो, क्या मैं ऐसा ले सकता हूं, देखना ध्यान से, ये प्लेन लिया जा सकता है कि मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, अच्छा इसकी थिकनेस थोड़ी और बढ़ाई जाए तो आपको मजा आ जाएगा देख के, देखना देखो, हाँ क्या बात है सर, दिख रहा है, दिख रहा है ना, ऐसा प्लेन जिसको डालें तो मॉलिक्यूल इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो इसको बोलेंगे पीओएस। तो क्या बोलोगे इसको, पीओएस आ गई, अगर पीओएस आ गई तो क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिंपल सा, पीओएस आ गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक। और चेक कर लो, पीओएस चेक करना सीख लेते हैं ना, चलो ए हो गया, चलो अगर मैं और ले लूं, एक और देखना, देखो अरे मजा आ जाएगा, बताना जरा क्या इसमें पीओएस है, चेक करो, अरे देखो तो क्या इसमें पीओएस है, देखो ना, आओ 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 सर हमें ये दिख रही है, देखो अरे बेटा पीओएस दिख गई, इक्वल हाफ में डिवाइड हो गए मॉलिक्यूल, क्या बात है, और देखा है, चलो कुछ भी रैंडम अल्फाबेट ले लेते हैं,
सपोज अगर मैं ले लूं एफ, ले लेता हूं चलो, क्या एफ, क्या इसमें पीओएस है बताना जरा, चेक करो आराम से चेक करो, क्या इसमें पीओएस है, नहीं दिख रही, क्यों? आप कोई भी प्लेन सोचो, आप सोचो सर ये ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्यों? इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा, आप ये नहीं ले सकते, अच्छा और सोचो आप ये ले सकते हो क्या, नहीं, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये वाला और ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर पीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, पीओएस नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, आपको सीओएस भी सीखनी पड़ेगी उसके लिए, है ना, तो पहले मैं आपको पीओएस बता रहा हूं, पीओएस सीख लो फिर सीओएस सीखेंगे फिर कमेंट करेंगे कंपाउंड में, प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ गए, ऐसा प्लेन जिसको डालो तो मॉलिक्यूल तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, मतलब पीओएस, ठीक। चलो भाई अब मैं आपको इसमें तो मैंने बता दिया मॉलिक्यूल में कैसे चेक करोगे, देखो जैसे मान लो ऐसा लिखा है, कोई भी देख लो CH3 दो कायरल कार्बन बना दिए, ये भी कायरल, फिशर प्रोजेक्शन है ना, बताओ जरा क्या इसमें पीओएस है, देखना जरा क्या इसमें पीओएस है, अरे सर साफ साफ दिख रही है, देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो मॉलिक्यूल तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, ध्यान से देखना क्या इसमें पीओएस है, क्या इसमें पीओएस है, चेक करूं क्या इसमें पीओएस है, इसमें नहीं है, क्यों? अगर तुम ये प्लेन सोचते हो कि सर मिल तो गए दो इक्वल हाफ, देखो ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, आप गलती कर रहे हो, गलती बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, देखो यहां OH राइट साइड है, यहां OH लेफ्ट साइड है, देखो यहां OH राइट साइड था, यहां भी राइट साइड था, इसको दो इक्वल हाफ बोलेंगे, इसको दो इक्वल हाफ नहीं बोलेंगे, तो बेटा इसमें पीओएस नहीं है, ठीक, तो पीओएस किसमें है किसमें नहीं है मैंने बना रखी है, इसमें नहीं है इसमें, इसमें मतलब हम क्या करेंगे, प्लेन देखेंगे, मतलब ऐसा यह आपको सोचना है मॉलिक्यूल में, ऐसा प्लेन लो जिसको डालने पर मॉलिक्यूल तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। कंपाउंड में कैसे चेक करना वैसा मैंने बता दिया, चलो रिंग वाले देख लेते हैं कैसे, जैसे ये हो गया, अगर मैं इसमें रिंग बना दूं, मान लो ऐसा ले लिया मैंने, यहां लगा दिया मैंने एमई, यहां एमई, इधर एच, इधर एच, बताओ किसमें पीओएस है और किसमें नहीं है, एमई एमई एच और एच, आराम से सोचो आराम से बताओ, ट्राई करो, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा ये है देखना ये पीओएस है क्या, आप बोलोगे सर 101% है ये, क्यों? जैसे ही तुम प्लेन लोगे, ध्यान से देखना, जैसे ही तुम प्लेन लोगे एमई एमई ऊपर ऊपर, तो इक्वल हाफ डिवाइड हो गए, इक्वल हाफ, जबकि आप सोचोगे सर ये भी तो पीओएस होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, यहां एमई ऊपर है यहां एमई नीचे है, या तो ये भी नीचे होता या ये ऊपर होता, ये ऊपर है ये नीचे है तो ये पीओएस थोड़ी होगी, है ना, तो ये पीओएस नहीं है, मतलब ये पीओएस में नहीं आ रहा, ये आ रहा है, तो ध्यान से सुनना जरा जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, क्या ऐसा प्लेन जिसको डालने पर मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, और जब आप हाफ डिवाइड कर रहे हो ना तो जो अरेंजमेंट पहले हाफ में हो वही अरेंजमेंट दूसरे हाफ में होना चाहिए, जैसे यहां OH राइट था तो यहां भी OH राइट है, यहां दोनों एमई ऊपर थे, ठीक है, यहां दोनों एमई ऊपर थे, यहां दोनों OH राइट थे, जैसे आपने यहां चेंज कर दिया क्या एक राइट एक लेफ्ट, तो इसको तुम इक्वल हाफ नहीं बोल सकते, या इसको तुम इक्वल हाफ नहीं बोल सकते, क्यों? एक ऊपर और एक नीचे है, दोनों सेम जगह होने चाहिए, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, समझ गए पीओएस, अब सीओएस सीख लो, आप पीओएस और सीओएस सीख लोगे तो काम हो जाएगा आपका, खत्म। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, सीओएस को क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या बोलते हो बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, पॉइंट पढ़ेंगे तो अपन आराम से सीख लेंगे, एग्जांपल क्या, अ पॉइंट फ्रॉम विच डायगोनली अपोजिट लाइंस आर ड्रॉन सेम ग्रुप विल मीट, इसका मतलब क्या है ध्यान से देखना, ऐसा पॉइंट कोई भी कंपाउंड हो, और यूजली आपको साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा, और साइक्लिक में भी इवन नंबर की रिंग होगी, इवन नंबर की रिंग मतलब चार की रिंग, छह की रिंग, आठ की रिंग ऐसी दिखेगी, ऑड नंबर की रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात ही मत कर देना,
क्यों ऑड नंबर की रिंग में आप सेंटर पे जाओगे तो ग्रुप ही आप नहीं ढूंढ पाओगे, है ना। मैं बता दूंगा अभी आपको, ध्यान से सुनो। सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां चेक करोगे? जब रिंग सिस्टम होगा। अगर रिंग सिस्टम नहीं है, ओपन चेन है, जैसे पीछे अपन ने देखा था, जैसे ये देखो, जैसे ये है, इन सब में सेंटर ऑफ सिमेट्री में नहीं देखो, सीधा प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा करो, है ना। इधर रिंग वगैरह आ गई तो इसमें सी यूएस के बारे में सोचते, लेकिन ये ऑड नंबर की रिंग है, ऑड में सी यूएस नहीं सोचना, ऑड में पीएस सोचना। आपको सी यूएस सोचना कहां है वो सोच लो बस, सीधी सी बात है। आपको हर जगह पीयूएस ही सोचना है, हर जगह पीयूएस सोचो सबसे पहले, पीयूएस पॉस। कॉस कब सोचना है? जब इवन नंबर की रिंग आ जाए। क्या बोला मैंने, बहुत ध्यान सुनना। पॉस कब सोचोगे? हर जगह सोचेंगे सर पॉस, तो पॉस हर जगह सोचेंगे। कॉस कब सोचोगे? जब इवन नंबर की रिंग आ जाए। कैसी? इवन नंबर की। जैसे अब आ जाओ इधर, जैसे चार की रिंग आ गई तो इसमें तुम कॉस सोच सकते हो, है ना। अब वो अपन डिपेंड करता है कि कैसे देखना है, मैं आपको दिखा के लिख के बता देता हूं। देखो मेरे पास लगा है, यहां एम ई लगा है, यहां एच लगा है, यहां एच लगा है, यहां एम ई लगा है, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, मैं सेंटर पर खड़ा हो गया इधर, ठीक, सेंटर पर खड़ा हो गया और मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। ध्यान से सुनना जरा, तो मैं जा रहा हूं इधर, देखो इधर एच लूंगा तो इधर भी एच लूंगा, ठीक है, ऐसे इधर गए एच, इधर गए एच, सेम सेम मिले, चलो भाई इधर आओ, इधर गए एमई, इधर गए एमई, सेम सेम मिले, ठीक है भाई। अब देखो इधर भी देखो, ये इसी को ही मान लेते हैं ना, ये देखो, ये मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? इस वाले से तो उधर गए एमई मिला, इधर गए एमई मिला, ध्यान सुनना, इधर गए एच मिला, इधर गए एच मिला, सेम सेम मिले। ऊपर जाओगे तो बेटा यहां पर इस जगह दो एच मिलेंगे और इस जगह भी दो एच मिलेंगे, तो सेम हो गया, मतलब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। अब मैंने बोला था तीन की रिंग में क्यों नहीं देख पाओगे, मैं लिख के बता देता हूं। अगर तुम तीन की रिंग लेते, ठीक है, ऐसे लेते, ये एमई, यहां एमई, यहां एच और यहां एच, ध्यान से सुनना, अगर तुम सेंटर देखते तो यहीं खड़े होते ना इधर इस जगह, तो तुम यहां जाते सेम सेम, यहां जाते सेम सेम, लेकिन तुम यहां जाते तो सी एच टू, नीचे कहां जाते, हवा में नीचे तो कुछ है ही नहीं ना। तो ऑड नंबर की रिंग में हमेशा आपको यह समस्या होगी, इसका मतलब ऑड नंबर की रिंग में आपको कॉस सोचना ही नहीं है। तो कॉस बहुत रेयरली ही सोचोगे, लेकिन कहां सोचोगे? इवन नंबर की रिंग में सोचोगे, अदरवाइज पॉस से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इवन नंबर की रिंग में आपको सोचना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताना ध्यान से, अच्छे से करना। क्या इसमें कॉस है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है, चेक करेंगे। अगर मैं बीच में खड़ा हो गया इधर, ठीक, चलो भाई अपोजिट जाओ, इधर सीएल तो इधर एच, अपोजिट देखो जरा, सेम है क्या? नहीं है, खत्म कहानी, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात ही नहीं आती। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसा कर देता, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, अगर मैं ऐसा कर देता, यहां एच और यहां सीएल, तो अब आप स्टार्टिंग से चलते, देखो सीएल सीएल अपोजिट भाई, ऐसे ऐसे गए अपोजिट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये सीएल नीचे जा रहा है, इसको काट रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है ना, वो तो मैंने लिखा है, डंडा बड़ा बन गया, डंडा छोटा बन गया, ऐसे बनाया, ठीक, ऐसे चले, इधर भी अपोजिट मिल रहे हैं, ठीक। और देखो और कैसे, आप इधर से इधर चलो इस कार्बन पे, है ना, आप इस कार्बन से चलोगे इधर निकलोगे तो भी अपोजिट, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और देखो और आपको क्या मिलेगा, इधर चलो देखो इसके, देखना ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी मिला आपको सेम, इधर से चले ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी सेम मिला, मतलब ये जो है ना, इसको बोलोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। ध्यान से सुन लो, क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखना, आप इधर सीएल मिला, इधर सीएल मिला, इधर एच मिला, इधर एच मिला, और जब तुम इधर से रिंग वाले एटम देखने गए तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, कार्बन 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 कार्बन, और सब पे दो एच लगे हैं, तो इससे तुम इधर जाओगे, इस जगह जाओगे, इस जगह जाओगे, सेम मिलेगा, इस जगह जाओगे, इस जगह जाओगे, सेम मिलेगा, इस जगह जाओगे, इस जगह जाओगे, सेम मिलेगा, मतलब इसी को तुम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलोगे, समझ गए कहानी, ठीक है। मतलब ये सीएल ऊपर है तो ये नीचे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये सीएल ऊपर है तो ये भी ऊपर हो गया, हाँ गलत हो जाएगा।
ठीक है। तो सेंट्रोसिमेट्री वैसे भी आप रेयरली देखोगे, लेकिन कहां देखोगे, इवन नंबर की रिंग में, चार की रिंग, छह की रिंग, तीन की रिंग, पांच की रिंग में नहीं मिलेगी। ठीक, अब हम फाइनल स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या है फाइनल स्टेटमेंट वो देखो, आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए, ध्यान सुनना, कोई भी कंपाउंड दिया जाए, आप उसमें पॉस चेक करोगे, अगर पॉस है तो आप बोल दोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, सीधा OIA मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई भी कंपाउंड मिला आपने क्या चेक करना है, प्लेयरोसिमेट्री, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सीधा सीधा, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, पॉस चेक कर लो। और ये ध्यान रखना किसी भी मॉलिक्यूल में पॉस एक से ज्यादा हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ढूंढते हो, लेकिन कॉस तो एक ही होगी ना, क्यों, किसी मॉलिक्यूल का सेंटर तो एक ही मानोगे ना, तभी तो आप अलग अलग जगह जाओगे, तो कॉस एक होती है, पॉस डिपेंड करता है, आप कोई से भी पॉस ढूंढ सकते हो। जैसे मैं आपको ऐसे बता देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो मैंने ऐसा लिखा, सपोज मैंने लिख दिया, ऐसा बना दिया, ठीक है, और मैंने यहां पर ग्रुप लगा दिए, यहां BR लगा दिया डार्क में, यहां H डैश में, यहां BR डार्क में और H डैश में, ऐसा, मतलब ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, तो तुम ये ले सकते हो ना भाई, ये पॉस हो सकती है, ठीक। और तुम क्या पॉस ले सकते हो, तुम ये भी ले सकते हो, ये वाली। ऐसा क्यों बोला मैंने, जब कभी भी आप प्लेन लेते हो ना, ध्यान सुनना, जो भी आप प्लेन लेते हो उस प्लेन पर आने वाले एटम या मॉलिक्यूल डिस्कार्ड कर दो, उसके अलावा देख लो। जैसे तुमने ये प्लेन लिया तो इस प्लेन में आने वाले एटम या मॉलिक्यूल कौन कौन से हो गए, इस कार्बन पर अटैच ये ग्रुप भी आप मत लो, मतलब आप ऐसे खड़े हो जाए ऐसे, तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है, आपने क्या करा, ये प्लेन लिया तो आपको ये चेक करना है बस, ये इधर के, तो ये इक्वल हाफ डिवाइड हो रहे हैं, यस, मतलब ये POS है, ये भी POS थी, क्यों, BR डार्क में था, HH डैश में था। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, BR ऊपर H नीचे, आपकी इच्छा, आप ऐसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो एक से ज्यादा, ध्यान सुनना, एक से ज्यादा आपकी POS हो सकती है, ठीक है, एक से ज्यादा POS हो सकती है, लेकिन COS आपकी एक ही होगी, ये ध्यान रखना है ना। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ध्यान से देखना, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब आप तो ये सुन लो सीधी सी कहानी, क्या सुन लो, कि अगर पॉस या कॉस दोनों हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक, पॉस नहीं है कॉस है तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ये कहानी अपन लिख लेते हैं। अगर पॉस है कॉस नहीं है तो भी बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव, बात समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी एक आ जाए या दोनों आ जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, कोई भी एक आ जाए या दोनों आ जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा सर, वो तो तब होगा ना जब ये भी ना हो और ये भी ना हो, तो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। आपको अभी लोअर क्लासेस में, मतलब आपके 11th क्लासेस में आपको पॉस से ही चेक करना हो जाएगा, मैंने थोड़ा सा आपको कॉस भी सिखा दिया है, 12th क्लास में आप आराम से इसके क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पर ज्यादा फोकस करो क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी के मिलेंगे। पॉस चेक किया, पॉस मिला, आपने बोल दिया ऑप्टिकली इनएक्टिव, पॉस नहीं मिला तो आप फिर कॉस सोचोगे, इसलिए मैंने आपको कॉस के बारे में भी बता दिया है ना। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक, ध्यान से देखना, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और आपको समझाता हूं तो आप कहानी पूरी क्लियर समझ जाओगे, ध्यान से देखो। मुझे बता दो क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, बताओ जरा, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, बता दो। क्या चेक करोगे सर, पॉस चेक करेंगे, हाँ बहुत बढ़िया, चेक करें जरा, पॉस चेक कर लेते हैं। देखो ये मिला प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो दो इक्वल हाफ में डिवाइड, और अगर बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो आप बोलोगे सर इसमें तो पॉस आ गई, अगर पॉस आ गई तो कॉस वगैरह की टेंशन नहीं लेना, कॉस की टेंशन कब लेना जब पॉस नहीं आएगी, ठीक है। अगर पॉस आ गई तो बेटा यही लिख दो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब बेटा ये हुआ कि कंपाउंड जो PPL है ना उसको घुमा ही नहीं रहा है, कंपाउंड PPL को नहीं घुमा पा रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक और करेंगे, एक और देख लो, देखना जरा, यहां लगा दिया मैंने PH मतलब जानते हो ना बेंजीन वाली रिंग, आपकी फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, यहां H, यहां BR, यहां लगा दिया मैंने H, यहां CL और यहां लगा दिया CH3, बताओ जरा
आराम से बताओ, क्या कोई पॉस दिख रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री? आप बोलोगे सर इसको ऐसे काट दो, क्या दो इक्वल हाफ आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। और अगर इक्वल हाफ नहीं आ रहे हैं मतलब सीधा सीधा बोलो इसमें इसमें पॉस नहीं है, इसमें पॉस नहीं है। अगर पॉस नहीं है तो कॉस सोचना है, लेकिन कॉस कहां सोचना है? रिंग में सोचना है, ओपन चेन में सोचना ही नहीं है ना, तो कॉस के बारे में ही नहीं बात करेंगे, तो हम इसी से आंसर देंगे। पॉस नहीं है तो हम बोल देंगे ऑप्टिकली एक्टिव, खत्म कहानी। ये अपना तरीका, अपन ऐसे करते हैं। क्या बोला मैंने? अगर ओपन है, चार की रिंग छह की रिंग अगर आपको दिख रही है तो ही कॉस सोचो, अगर चार की छह की रिंग नहीं दिख रही, ओपन चेन वगैरह दिख रहे हैं तो पॉस से ही आंसर कर दो। क्या पॉस नहीं तो सीधा ऑप्टिकली एक्टिव, सीधा कोई टेंशन नहीं, सामने से सही होगा, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब क्या, ये कंपाउंड का जो सॉल्यूशन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये ध्यान रखना, आपको इससे ये जो चीजें हम कर रहे हैं ना, इससे आपको ये पता नहीं चलेगा कि रोटेशन क्या होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा, वो तो आपको एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, लेकिन इतना पक्का है कि रोटेशन तो होगा, तभी तो ऑप्टिकली एक्टिव लिख रहे हो। किसका? पीपीएल का। समझ गए कहानी? तो इस तरीके से आपको कंपाउंड में अप्लाई करना है। चलो एक आखिरी चीज और बची है अपनी, इसको और सीख लेते हैं तो अपनी कहानी खत्म हो जाएगी। काफी कुछ आज अपन ने कवर कर लिया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। देखो क्या लिखा, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डालेंगे अच्छा लगेगा, क्या रिलेशन बिटवीन कंपाउंड व्हेन ओनली वन काइरल कार्बन इज प्रेजेंट। अब ध्यान से सुनो, अगर एक काइरल कार्बन आता है तो अब यहां से एग्जाम में इतनी सारी कहानी जो हमने पढ़ी ना, वो उससे फाइनल क्वेश्चन जो है वो ये आने वाला है, या ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने वाला। तो जो पीछे वाली चीज हमने देखी कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो देखना है आपको, पॉस कॉस वगैरह, और एक ये चीज है, इन्हीं दोनों चीजों से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ध्यान से देखना जरा, क्या बोला है, अगर एक ही काइरल है, ध्यान से सुनना, अगर एक ही काइरल है तो बेटा कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, खत्म कहानी, कहानी खत्म भाई। अगर एक ही काइरल कार्बन है तो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों? आप कहीं से भी चल लो, आपको प्लेनोसिमेट्री मिल ही नहीं सकती। आप कहीं से भी चल लो, आप कोई भी सोच लो, सर क्या ये प्लेन ले सकते हैं? बेटा ये अलग है। क्या ये प्लेन ले सकते हैं? इधर बेटा ये अलग अलग ग्रुप लगे हैं। क्या ये प्लेन ले सकते हैं? एचओएच अलग है। इसका मतलब आप कोई भी प्लेन ले लो, आप ढूंढ लो, आप कोई भी प्लेन ले लो, ये ऑप्टिकली एक्टिव ही रहने वाला है। मतलब अगर ये चीज है, अगर ये चीज है, क्या वन काइरल कार्बन अगर है, क्या बोला मैंने, अगर वन काइरल कार्बन है तो बोलेंगे क्या, कंपाउंड इज ऑलवेज ऑलवेज क्या, ऑप्टिकली एक्टिव, खत्म कहानी। क्या बोला मैंने, कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। कब? जब एक काइरल हो। इस बात को लिख लेना, चिपका लेना एक पेज पर, लिख के स्टडी रूम में चिपका लेना, बहुत सही चीज बताई। क्या अगर एक ही काइरल है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक, जैसे ये लिखा है एक एग्जांपल के तौर पे। अच्छा ये तो चलो बात होगी ऑप्टिकल एक्टिव की, अब एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं देखो। आपसे एग्जाम में सवाल ऐसे पूछेंगे, एच ओ एच और यहां लगा दिया सी एच टू, ओ एच लगा दिया, ऐसा लगा दिया, ठीक है, सी एच थ्री ओ एच एच सी एच टू ओ एच, कंपाउंड नंबर वन एंड कंपाउंड नंबर टू, वन एंड टू आर, वन एंड टू आर, ये पूछेंगे, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक। अब चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन आप देख के काट दो, क्यों? अगर आपका एक ही काइरल कार्बन है, ध्यान सुनना, अगर आपका एक ही काइरल कार्बन है और कंपाउंड में रिलेशन पूछा है, तो एक काइरल कार्बन में कंपाउंड में रिलेशन या तो दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल होते हैं या दोनों कंपाउंड एनेंशियमर होते हैं, खत्म कहानी, 50% तो सही होगा, अब बाकी में तुक्का लगा देना, अरे मजाक कर रहा हूं, कर लेना। मतलब चार ऑप्शन में से दो तो काट दोगे ना। अब ध्यान सुनो मैं क्या लिखने जा रहा हूं यहां पर, ठीक है, व्हेन वन काइरल कार्बन इज प्रेजेंट, व्हेन वन सी कार इज प्रेजेंट, तो आंसर आपका क्या है, मतलब दो कंपाउंड में रिलेशन का आंसर या तो तुम्हारा क्या है, एनेंशियोमर, एनेंशियोमर, या है तुम्हारा
आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, क्या बोला मैंने, या तो एनेंशुमर या आइडेंटिकल। अब ये सर एनेंशुमर और ये आइडेंटिकल क्या चीज है? आइडेंटिकल तो जानती हो, सेम कंपाउंड, आइडेंटिकल का मतलब सेम कंपाउंड। अब ये एनेंशुमर क्या चीज है, तो एनेंशुमर को समझ लो जरा, फिर आप आंसर भी कर देना। क्या एनेंशुमर क्या होते हैं? एनेंशुमर का मतलब होता है नॉन सुपर इंपोजिबल, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस। क्या नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंशुमर्स। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। मेरे पास ऐसा लिखा है, यहां CH3 HOH और यहां NH2, इसको मैं मिरर में देखूंगा तो कैसा दिखेगा, CH3 यहां OH, ठीक है, इधर H और इधर NH2, ऐसा दिखेगा। इसको उठाकर इस पर रख दो, ध्यान से सुनना, इसको उठाकर इस पर रख दो, क्या ये सुपर इंपोज हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? इसको उठाकर जब इस पर रखोगे तो H के ऊपर ये OH आएगा ना। अब इसको उठा के इस पर रख दो, इसको उठाकर इस पर रख दो तो OH आएगा ऊपर, H आएगा नीचे, और यहां पर भी OH नीचे H ऊपर, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल सा एग्जांपल से और बता देता हूं, मान लो ये दोनों चीजें, ध्यान से देखना जरा, इसका इस वाले का मिरर इमेज ये है, इस वाले हैंड का मिरर इमेज ये वाला हैंड है, देखो। अब मैं इसको उठाकर, इस वाले को उठाकर इस पर रख रहा हूं, देखो ऐसे, ये ऐसे ही रखा है, मैं इसको ला रहा हूं, ये आया, तो ये सुपर इंपोज हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना। क्यों? ये अलग निकल रहे हैं अंगूठे, देखो, उड़ती चिड़िया उड़ता पंछी, देखो अलग निकल रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है, ये सुपर इंपोज नहीं हो रहे। एक एग्जांपल से और बता, तो मान लो मेरे पास लिखा है पी, इसका मैंने मिरर इमेज लिया, क्या आएगा? क्यू, ठीक है। अब इस पी को उठा के क्यू के ऊपर रख दो, इस पी को उठा के क्यू के ऊपर रख दो तो आपको ऐसा दिखेगा, लॉलीपॉप जैसा। इसको उठा के इस पे रखो, खुद से भी कर लो, तो ये लॉलीपॉप हो गया। मतलब इसी को बोलूंगा क्या, नॉन सुपर इंपोजिबल। क्या बोलूंगा? नॉन सुपर इंपोजिबल। अगर मेरे पास ऐसा होता ए और इसका मैं मिरर बना के देखता तो ऐसा दिखता, इसको उठा के इस पे रखोगे तो सुपर इंपोज हो जाएगा। कैसे? ये ऐसा, इसको उठा के इस पे रखोगे तो ये सी के ऊपर आ जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे सुपर इंपोजिबल, सुपर इंपोजिबल, ठीक है। तो मैं क्या चेक करूंगा, इस दोनों कंपाउंड में चेक करूंगा, ध्यान से देखो, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है बिल्कुल भाई, इसको मिरर में देखोगे ऐसा दिखेगा, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो तो सुपर इंपोज नहीं होंगे, मतलब वन एंड टू आर एनेंशुमर्स। और जब कभी भी, ध्यान से सुनना, जब कभी भी क्या, जब कभी भी आपको एक ही कायरल कार्बन दिया जाएगा तो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ध्यान से सुनना, जब कभी भी आपको एक ही कायरल कार्बन दिया जाएगा तो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो आंसर या तो एनेंशुमर होगा या आइडेंटिकल होगा। अगर दोनों कंपाउंड सेम बना रखे होंगे तो एनेंशुमर, सॉरी आइडेंटिकल, और अगर मिरर इमेज बना रखे होंगे तो एनेंशुमर, समझ गए, क्लियर। तो ये बात थी, आंसर देखो, चार ऑप्शन तो देंगे ना आपको एग्जाम में, दो कंपाउंड के बीच के रिलेशन में चार तो देंगे ना, और अगर आपको चार ऑप्शन देंगे तो आंसर तो आपके इन दोनों में से ही है, या तो एनेंशुमर या आइडेंटिकल, समझ गए कहानी। आपको यही बताना है, मतलब ये दोनों में से आंसर टिक करना है, गोला भरना है, जो भी है आपको, बाकी दोनों हटा देना है, समझे कहानी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं अच्छी सी, जो अपनी ट्रेक है वो लगाने वाली। कैसे? आपको कंपाउंड में डायरेक्ट अगर दिख रहा है मिरर इमेज, देखा नॉन सुपर इंपोजिबल आया, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप RS यूज करो। कैसे? आपने क्या करा, लेफ्ट, आपको एक कंपाउंड दे रखा, उसमें आपने एक कायरल कार्बन है तो कॉन्फिगरेशन निकला आर आया, दूसरे वाले में भी आर आ गया तो आइडेंटिकल है, एस आया दूसरे में भी एस आ गया तो आइडेंटिकल है, तो आर आर आ जाए तो आइडेंटिकल, ठीक है,
और SS आ जाए तो भी आइडेंटिकल। हमने RS इसके लिए सीखा था, जो मैंने आपको RS सिखाया वो इसके लिए सिखाया है। अगर पहले में R आ जाए दूसरे में S, या पहले में S दूसरे में R, कॉन्फिगरेशन पलट जाए तो आंसर क्या होगा? एनेंशियमर होगा। क्या होगा आंसर? एनेंशियमर होगा। बस ये आपको कहानी ध्यान रखनी है, क्या होगा? एनेंशियमर होगा। समझ गए कहानी? तो R का R आइडेंटिकल, S का S आइडेंटिकल, R का S एनेंशियमर, S का R एनेंशियमर। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया ऐसा, यहां OH, इधर H, यहां BR और यहां मैंने लगा दिया CL, ठीक है, एक ये दे दिया और आपको एक ये दे दिया, यहां CL, यहां H लगा दिया, ठीक है, H यहां लगा दिया, BR यहां लगा दिया, OH यहां लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहां पर नंबरिंग करूं, RS से सिखा रहा हूं आपको, क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि आपको डायरेक्ट मिरर इमेज नहीं दिख रही है, और अगर आपको डायरेक्ट मिरर इमेज नहीं दिख रही तो आप RS से करोगे, या आपको ये नहीं दिख रहा कि ये आइडेंटिकल है कि नहीं, तो आप RS से करोगे। कैसे? देखना, इस कार्बन के लिए BR और CL में BR को 1, CL को 2, ऑक्सीजन 3, ये 4, 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसे जाओगे, क्या आ जाएगा? ये ऐसा आ जाएगा। क्या स्विच करना है? नहीं, क्यों? 4 वाला वर्टिकल पे है। चलो भाई यहां आ जाओ, BR को 1, CL को 2, इसको 3, इसको 4, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे? 1 से 2, 2 से 3 कैसे जाओगे? ऐसे जाओगे, क्या आएगा? R, लेकिन बेटा स्विच कर देना, R का क्या कर देना? S कर देना। क्यों कर देना? क्योंकि 4 वाला हॉरिजॉन्टल पर है, ठीक है। अब ये क्या है? ये तुम्हारा S है और ये भी S है, तो ये दोनों क्या है? मैं लिखूंगा 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल। 1 एंड 2 क्या होंगे बेटा? आइडेंटिकल होंगे, समझना बात को। अब आप बोलोगे सर आइडेंटिकल कैसे, स्ट्रक्चर ही अलग अलग दिखना। ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर कंपाउंड के डिफरेंट फिशर प्रोजेक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस उनमें रिलेशन तुम्हें बताना पड़ेगा क्या है, आइडेंटिकल है या एनेंशियमर है, ठीक। तो इस तरीके से चेक करोगे, मैंने एक एग्जांपल से बता दिया। अगर तुमने एक कंपाउंड में निकाला, आर आया, दूसरे में भी आर आ गया, तो क्या बोलोगे? आइडेंटिकल। एस एस आया मतलब कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं हो रहे हैं तो आइडेंटिकल, और कॉन्फिगरेशन पलट गए तो एनेंशियमर आएगा। सीधी सी कहानी है, एनेंशियमर कब आएगा? जब कॉन्फिगरेशन पलट जाएंगे, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो ये देखो जरा, ये वन है, ये टू कंपाउंड है, इसमें आर एस निकाला, एस आया, इसमें आर एस निकाला, इसका भी एस आया, आर आ रहा था लेकिन वो स्विच करना पड़ा, क्यों? फोर वाला हॉरिजॉन्टल पर है, तो वन एंड टू क्या? आइडेंटिकल। और एक पर्टिकुलर कंपाउंड के एक से ज्यादा कंपाउंड, एक पर्टिकुलर कंपाउंड के एक से ज्यादा फिशर प्रोजेक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हो आप, है ना। समझ गए कहानी? तो ये थी कहानी अपनी। तो सभी लोगों को अच्छा वाला थैंक यू, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट, ये एक्चुअल में आइसोमेरिज्म के अंदर ही आता है। अब अगर आप एनसीईआरटी उठाकर जाओगे देखने, तो आपको ये 11th क्लास में नहीं दिखेगा। एक्चुअल में आइसोमेरिज्म चैप्टर नाम का एनसीईआरटी में कोई चैप्टर ही नहीं है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से एक चैप्टर आता है आपका, सम बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक वाला, वो आता है। अब उसमें उन्होंने क्या क्या किया है, उसमें उन्होंने आईयूपीएसी भी दे दी है, उसमें उन्होंने आइसोमेरिज्म भी दे दिया है, उसमें उन्होंने जीओसी भी दे दिया है, तो बहुत ही शॉर्ट में निपटा दिया है। हम यहां पर जो चीजें पढ़ रहे हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, ताकि जब आप 11th से 12th में जाओगे ना, तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। क्यों? होता क्या है, जब आप 11th से 12th में जाते हो ना, तो जो 12th के टीचर हैं वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन से शुरू करते हैं, अगर 12th में पढ़ते हैं अपन तो, है ना, क्योंकि 12th में हेलो एल्केन और हेलो एरीन शुरू होती है। अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन जैसे ही शुरू होता है तो वहां रिएक्शंस पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं लोग, आइसोमेरिज्म वहां पढ़ाते नहीं है, बस सिर्फ ये बता देते हैं कि ये इन्वर्जन होगा, ये रेसमिक बनेगा या नहीं बनेगा, इस टाइप से बस बातें कर देते हैं, डिटेल में वहां नहीं बताते हैं। तो आपको आइसोमेरिज्म डिटेल में पहले पता होना चाहिए, तब जाके आप 12th की ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से कर पाओगे। मेरा पर्पस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको अभी पढ़ाने का ये है कि आपको आने वाले टाइम में, क्यों, आप बहुत जल्दी अब 12th में आ जाओगे और हेलो एल्केन हेलो एरीन से आपका शुरू हो जाएगा प्रोग्राम, और जब हेलो एल्केन हेलो एरीन से प्रोग्राम शुरू होगा तो फिर पता है वहां क्या करते हैं लोग, सर ये पता नहीं कैसे इन्वर्जन कर रहे हैं, ये RS ही नहीं पढ़ाते सर हमारे, मतलब ऐसे कई टीचर करते हैं। जो लोग, अगर देखो सीधी सी बात है, बहुत सारे टीचर समझदार भी होते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरीन से पहले आइसोमेरिज्म पढ़ा देते ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए, ठीक है, तो वो भी पढ़ाएंगे आपको पहले, तो इससे अच्छा अभी से कवर कर लो ना, आपके पास जो अभी का टाइम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अच्छे तरीके से समझने का, तो उसको अभी समझ लो आप।
आप 11th क्लास में ढूंढने जाओगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। फिर बोल रहा हूं मैं, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स क्लास 12 एनसीईआरटी ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, उसके अंदर भी बहुत शॉर्ट में निपटा दिया, बस इस बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई गई वहां पे, बहुत शॉर्ट में निपटा दिया। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस होकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी ढंग से नहीं सीख पाओगे आप। बहुत क्लियर बात है ये, ठीक है। बहुत सारे मतलब जो बच्चे होते हैं वो आई समझ में फंस जाते हैं बहुत तगड़े तरीके से, उनको पता ही नहीं चलता कि आई समझ में कहां से पढ़े। एनसीईआरटी में तो कहीं दिया ही नहीं है, तो कहां से पढ़ा जाए, अलग अलग दिया टुकड़ों में। जीआई तक आपको यहां दिया है 11th क्लास में, फिर ऑप्टिकल 12th क्लास में दे दिया। तो मैं आपको पूरा आइसोमेरिज्म, मुझ पे भरोसा रखो है ना, मैं आपको पूरा आइसोमेरिज्म पढ़ा दूंगा, मतलब आधा तो अपना हो ही गया, आधा और बचा कन्फर्मर भी पढ़ा दूंगा मैं आपको। मतलब आइसोमेरिज्म आप अच्छे से करके जाओ, जब आप 12th में कूदो ना तो आपको आइसोमेरिज्म में दिक्कत ना आए। आपने आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल पढ़ लिया, आपने ज्योमेट्रिकल पढ़ लिया, मैं चाहता तो ये दो चीजें पढ़ा के आपको सीधा कन्फर्म पढ़ा के अलग हो जाता, लेकिन मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपका अच्छा हो जाए। ये अच्छा करने के लिए हमने चालू किया ना ये काम, तो आपका अच्छा तभी होगा जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अच्छे तरीके समझ जाओगे। मतलब बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें, बस आपको एक बार पता होना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं। अगर आप इतना भी करके गए ना 12th में तो बहुत जल्दी चीजें आप समझ जाओगे, ठीक है। अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक लेक्चर और आएगा, क्योंकि उसमें भी आपको कुछ और भी चीजें जो बतानी होंगी मुझे, तो मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखो दो लेक्चर की तो बात है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो लेक्चर पढ़ के अगर आप 12th में अच्छा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, इसको छोड़ना मत, इसको आप जरूर करना 11th क्लास में, हालांकि आपको ये नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी इसको आप करके जाना 12th क्लास में जब आप जाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।